Thank you.
श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाये तुलसी देवै प्रिया ऐ केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः तमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं श्रुहितावतारं अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपं जन प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेगुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तुस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ धरो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग नमस्कार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत का, उन्होंने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का जो पहला श्लोक था, भगवान को साथ में हमारी क्या संबंध है, उसमें संबंध तत्व बताया। क्योंकि जब तक संबंध नहीं होगा तब तक आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमारी संबंध किसको साथ में, बोले सबको साथ में नाता नहीं जोड़नी चाहिए। किसको साथ में नाता जोड़नी चाहिए, बोले केवल कृष्ण से। इसलिए बोले वो परम सत्य है। दूसरा नंबर जो श्लोक था, ये भागवत प्रतिज्ञा करता है। बोले क्या प्रतिज्ञा करता है, बोले उन्होंने तीन तीन बार उन्होंने प्रतिज्ञा की है, हैं? इसलिए अगर कोई भागवत का शरण में आ जाए उसको निश्चिंत रूप में भगवत प्राप्ति होगा। तीसरा जो श्लोक था आशीर्वाद, भागवत हमें
क्या आशीर्वाद देता है? बोले ब्रज प्रेम। ब्रज प्रेम में यद्यपि ब्रज में सबके सब ठाकुर को प्रेम किए हैं, लेकिन जो गोपियों का जो प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ प्रेम है, उनसे बड़ा प्रेम जगत में कुछ है नहीं है। इसलिए अभी ये घोर कलयुग आ गया, इसको देख करके सौनका ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी को पास में गए, बोले ये कलयुग से हमें निस्तार कैसे मिलेगा? बोले कोई चिंता मत करो, मैं मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, वो चक्र जहाँ पर गिरेगा समझना वो पवित्र स्थान, वहीं पर बैठ करके साधन भजन करो। वो कहाँ पर गिरा? बोले नैमि सारण्य में। वहीं पर बैठ करके बड़ी दिनों से तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिल रहा था। मानो यज्ञ करते करते उनका दाढ़ी, उनको मोच, सबके सब हृदय तक भी जल गई। लेकिन एक दिन भगवत इच्छा से श्री सुतो गोस्वामी आए। बोले दो सूत हैं, कितना सूत है? एक है उग्र सर्वा सूत और एक है लोमहर्षण सूत हैं। कहते जो सूत है, जो उग्र सभा सूत वो लोमहर्षण का ये बेटा है। एक दिन क्या हुआ, ये लोमहर्षण सूत पुराण पढ़ रहे थे, इतने में श्री बलदेव प्रभु स्वयं आए। ये बलदेव प्रभु कौन है? ये आदि गुरु श्री बलदेव प्रभु। इसलिए नियम है, अगर तुम कहीं भागवत कथा नहीं तो भगवान की कथा कह रहे हो, अगर कोई श्रेष्ठ कोई गुरुजन आ गए, क्या करो? उसी समय उसको रख लो। रख करके क्या करो? सबसे पहले जो श्रेष्ठ वैष्णव है उनको आदर दो, उनको आदर देनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने आए, उनको देख करके बोले आए बैठ जाएंगे, उसमें क्या हो गया? भगवान से थोड़ी बड़ा है। इसलिए कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े खा के लाग पाऊं, बलिहारी श्री गुरु जी जो गोविंद दियो। उन्होंने उनको सम्मान नहीं दिया। बलदेव प्रभु ने देखा, बोले तुम तो पुराण कर रहे हो, अच्छी बात है, लगता है किसी गुरु परंपरा से तुमने नहीं सीखा है। उन्होंने उठाया एक घास और घास से उनका सर को शरीर से अलग कर दिया, हाहाकार मच गया। बोले अभी हम पुराण किससे सुनेंगे? लेकिन बलदेव प्रभु दाऊ भैया तो साधारण है नहीं है, वो तो भगवत अवतार है, भगवत तत्व। उनको छोटा बेटा था श्री उग्र सभा सुत। उग्र सभा मतलब जो एक बार वो सुनते थे बास सब याद कर लेते थे। बोले कोई चिंता मत करो, उनके सर को पर हाथ रखा तो सारे वेद पुराण उपनिषद उनके हृदय में सबके सब स्फूर्ति हो गया। उनको बैठा दिया, बोले बोलो पुराण बोलो। ए धड़ाधड़ बोलना शुरू कर दिया। सब लोग देख करके बोले बाबा रे, ये 5 साल का बच्चा इतना सुख जानता है। इसलिए कहते श्री उग्र सभा सुत जब आए, तब सौनका ऋषियों ने देखा आज हमारा भाग्य उदय हो गया। क्यों? आज एक शुद्ध साधु पधारे। इसलिए जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी ये कथा कर रहे थे, वहां पर 88,000 ऋषि लोग वहां बैठे। लेकिन ये जो सुत, सुत मतलब क्या है? जो रथ को चलाते हैं, ये छोटे जाति के। लेकिन ये बैठे हुए थे सबसे पीछे, सबसे पीछे बैठे हुए थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी का हृदय का जो सारे संपत्ति, इनकी सारे भावना को उन्होंने एकमत ग्रहण किया, छोटे जाति होने पर भी। इसलिए कहते हैं जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई। उनके हृदय में सारे तत्व स्फूर्ति हुआ उनके हृदय में। इसलिए जब उन्होंने आए, उनका आसन दे करके बैठाए, बोले आज तो हमारी भाग्य जग गया। क्यों? आज एक शुद्ध संतों का दर्शन हो गया। तात्पर्य यह है, भागवत में बताए बोले भवा अपवर्ग भ्रमित जदा जनस्य तहिर अच्युत सत्समागम सत्समागम जहिर पराबरे से जाए त्वई रति। इसका मतलब है जीवन में एक शुद्ध संत का दर्शन कब होता है? बोले तब भी होता है जब संसार का सारे दुख कष्ट तुम्हारे खत्म हो गए, तुमको वही संसार में आना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी समय हो गया भगवान को पास में, अपना भगवान को पास में जाने का समय हो गया। बोले तहीर अच्युत सत्समागम, तभी जीवन में सत्पुरुष साधुओं का दर्शन मिलता है।
और जब सत पुरुष का दर्शन मिलता है तब भव बंधन तुम्हारी समाप्त है। इसलिए सौनक आदि ऋषि ने बताया आज तो हमारे भाग्य जग गया, हे सुत गोस्वामी आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये सारे वेद पुराण उपनिषद आप गुरु जी की कृपा से ही प्राप्त किए। इसलिए ब्रूही सिद्धस्य शिक्षस्य, कहते गुरुदेव अपना हृदय की भाव किसको पास में प्रकट करें, बोले सबको पास में प्रकट नहीं करते हैं, बोले किसको पास में, जिस हृदय का शिष्य सरल हो, सेवा की वृत्ति हो, भक्ति की भावना हो, तभी गुरु जी का हृदय उसके हृदय में स्पर्श करता है, हृदय में उसे स्फूर्ति कराते हैं। बोले गुरु जी की कृपा से आप सब कुछ अध्ययन किए हो, इसलिए ये घोर कलियुग आया है, जिस कलियुग में लोगों का परमायु बहुत कम है। केवल इतना नहीं, कलियुग में जीव का जो भाग्य है बड़ा मंद भाग्य है, मंद नहीं सुमंद भाग्य है। केवल सुमंद नहीं, भक्ति करने के लिए जाओ तो झुपत द्रुता, तरह तरह का भक्ति में बाधाएं तरह तरह का। अगर पति अगर सत्संग में आए, अगर थोड़ी सी उनको भक्ति में रुचि हो जाए, पत्नी क्या बोलेगा, कौन सी बाबा जी के चक्कर में पड़े गए, जब देखो गीता भागवत खोल कर बैठ जाते हो, कोई काम धाम नहीं। अगर पत्नी अगर आ गई, अगर इनको थोड़ी सी भक्ति में रुचि हो गई, पति क्या बोलेगा, किस बाबा के चक्कर में तू पड़ गई हो, हाँ जब देखो वृंदावन में चलो, सत्संग में चलो और गौड़ी मठ में चलो सब समय है। इसलिए लेकिन अगर बेटा अगर भजन में लग गया तो बोलेंगे ये कोई उम्र तेरा भजन करने का, ये अभी से ये सब तिलक कंठी माला अभी से तुमने क्या पहन लिया है। लेकिन अगर सिगरेट फूंके, अगर शराब पिए, बोले वेरी गुड, बच्चा तो एडवांस कर रहा है। लेकिन प्रभु का भक्ति करना, बोले ये कोई उम्र है भजन करने का। इसलिए कलयुग में बड़ा बाधा विपत्ति भगवान की भक्ति में। इसलिए आप कृपा करके बताओ। तो उन्होंने छह प्रश्न की, कहते ये छह प्रश्न का जो उत्तर है ये श्रीमद् भागवत है। पहला प्रश्न है आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय किया, तीसरा प्रश्न है भगवान यद्यपि कृष्ण एक हैं लेकिन एक होने पर भी कृष्ण तीन हैं, उनका तीन धाम है, एक मथुरा धाम, एक उनको द्वारका धाम और एक उनका वृंदावन धाम। इसलिए ये तीनों कृष्ण का हमें कथा सुना। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, उनका सारे अवतारों का कथा सुनाओ। उनका जो पंचमा प्रश्न है भगवान की जो अद्भुत जस है उनकी जो पराक्रम की कथा सुनाओ। और छठवा प्रश्न है भगवान जब ये संसार छोड़ करके गए, धर्म कलयुग में कहाँ पर उन्होंने आश्रय लिया है। जब उन्होंने ये छह प्रश्न किए, इसको सुन करके श्री सुत गोस्वामी का रोम, उनका रोम रोम खिल उठा। बोले क्यों, बोले ये जितने सारे प्रश्न ये भगवत संबंधी प्रश्न हैं। बोले सबसे पहले मैं अपना गुरु जी को प्रणाम करके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बोले जम प्रभजन तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायन विरह का तर आयु भाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुं स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान त्वस्मि। कहते मेरे गुरुदेव कैसे हैं, बोले साधारण व्यक्ति नहीं, जो माँ की पेट में 16 साल तक रहे, जहाँ से निकलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब वो निकले, जब व्यास देव जी ने बोले बेटा माँ को इतने कष्ट क्यों दे रहे हो, निकल करके आ जाओ, बोले पिताजी यहाँ बढ़िया भजन हो रहा है। मतलब जहाँ पर प्रभु का भक्ति हो ना बढ़िया हो, वही स्थान ही बढ़िया, लेकिन बढ़िया से बढ़िया स्थान हो, फैसिलिटी हो, लेकिन वहाँ प्रभु की भक्ति नहीं हो ना, वो स्थान का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमारे जो परम गुरुदेव वो क्या करते थे, पायखाना को अंदर में बैठ कर हरिनाम करते थे, पायखाना को अंदर में बैठ करके। बोले क्यों, बोले विषयों का बीस का स्पर्श नहीं होगा, यहाँ पर एकांत स्थान है, बस उसको अंदर में बैठ करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और श्री कहते उनको गुरु जी को, जो गुरु जी थे वो क्या करते थे,
बोले चारी तरफ में मछली का कांटा है, ये कांटा चारी तरफ में बिछा देते थे। बोले क्यों? बोले लोग हमें तंग नहीं करे, लोग सोचेंगे ये बाबा मछली खाने वाले, इसलिए मेरे पास में कोई आएगा नहीं और भगवान की भक्ति आनंद से प्रभु का भक्ति में कर सकता हूँ, इसलिए निकलना नहीं चाह रहे हैं। बोले क्यों? बोले ये माया बड़े बलवती है, आते ही माया पकड़ लेगा। बोले मैं हटा देता हूँ इसका इकोतरा काम कर। बोले मैं माया हटा देता हूँ। बोले आप नहीं हटा सकते हो, स्वयं मायापति कृष्ण हटा सकते हैं। जब कृष्ण ने माया को हटाया, श्री सुखदेव गोस्वामी प्रकट हुए। बोले श्री सुखदेव महाराज की, कहते उनकी अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, बात संन्यास लेकर के जा रहे थे। पीछे श्री व्यास देव हा पुत्र कर रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र। बोले कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, जो झूठा बात है, मैं भी कभी आपका पिता बना हुआ हूँगा। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं मेरे गुरु जी की कितने महिमा। बोले क्या महिमा? महिमा बोले तन्मया तरवो भी ने दू, कभी ये जितने वृक्ष है ना, ये लोग भी हा पुत्र कर रहे। बोले क्यों? बोले जिसको ऊपर में ठाकुर जी की कृपा हो जाए ना, जा पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब। अगर कोई ठाकुर जी का प्यारा बन गया ना, विश्व ब्रह्मांड का प्यारा बन जाता है। हनुमान जी को देखो, तुलसीदास को देखो, भगवान के प्यारे बने, सारा दुनिया उनको पूजा कर रही। इसलिए मेरे गुरु जी को देखो, ये वृक्ष पशु पक्षी भी प्यार कर रहे, पुत्र बोल रहे हैं। दूसरा अर्थ है मेरे गुरुदेव सारे वृक्ष लता पताओं में भी मेरे गुरु जी का सर्वत्र विद्यमान। गुरु जी की जब गुरु जी सर्वत्र विद्यमान, मेरे हृदय में भी प्रकट हो जाए। क्यों? ये सौनकाद ऋषियों ने मुझे जो प्रश्न की, जैसे ये प्रश्न का मैं उत्तर दे पाऊँ। उन्होंने पहले गुरु जी के चरण की वंदना करते हुए तो उन्होंने उत्तर देते हैं। भले सबई पुंसांग परो धर्म जत भक्ति रधोक्षजे आहाय तुके अप्रतिहता जया आत्मा सम प्रसिद्धति। पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगा? देखो ये करोड़ रुपया के प्रश्न है। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, उसका उद्देश्य क्या है? शांति कैसे मिलेगी? लेकिन अब बताओ, जब अपना घर में कोई दुख हो, कष्ट हो, कोई बुलाता है घर में आए? कोई बुलाते हो? नहीं। लेकिन बिना बुलाए आता कि नहीं आता है? बिना बुलाए ना। कभी यहाँ पर कह रहे हैं, बोले कारण क्या? बोले कारण है श्रीमान महाप्रभु को सनातन गोस्वामी दो प्रश्न किया था। उनका भी पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, दूसरा प्रश्न था संसार में कोई दुख कष्ट को नहीं बुलाने पर भी ये दुख कष्ट क्यों आता है? तो महाप्रभु देखो क्या कहते हैं। बोले जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतेव माया तर दे संसार आदि दुख है। इसका तात्पर्य यह है, अब लोग कोई मथुरा मठ में तो गए नहीं, कोई मथुरा मठ गए? गए हो, वहाँ पर देखना बड़ा सुंदर गुरु जी ने के छवि बनाया, एक तरफ में माया की जगत और एक तरफ में भगवान की जगत। जो माया की जगत उसमें दिखा रहे हैं पूरा अंधकार अंधकार, जहाँ पर हिंस जंतु भयंकर भूत पिशाच खड़े अंधकार, और एक तरफ में देखा भगवान की जगत, जिधर भगवान की जगत है वो उधर प्रकाश प्रकाश है, वो सीधा मार्ग ठाकुर के पास में गया। और जिधर प्रकाश है भगवान की जगत, उधर एक साधु खड़ा हुआ, और जिधर माया की जगत वहाँ पर एक माया खड़ी हुई, और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ। एक तरफ में माया बुला रही है और एक तरफ में साधु कह रहे हैं, बोले देख बेटा अगर तुम भगवान की भक्ति करोगे ना तो सीधा रोड गया, ठाकुर के पास में जाओगे। जिधर माया खड़ी हुई उधर माया खड़ी हुई, उधर क्या दिखा रहे हैं? अंधकार घोर भयंकर। जो बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, वो सोच रहा है क्या करूँ, वो क्या करूँ। लेकिन अक्सर अक्सर करके जो प्राणी हैं वो माया में ही छलांग लगाते हैं। बोले कारण क्या? बोले कारण है जो माया की शक्ति ज़्यादा है, ताकतवान, और जो जीव है वो क्षुद्र होने का नाते माया क्या करती है, आसानी से उसको पकड़ लेती है।
आसानी से। अरे जीव का उद्धार कैसे होगा? अगर ये जीव फिर ठाकुर जी की शरण में आ जाए, ठाकुर जी की शरण में आने पर ठाकुर जी क्या करेंगे? कृष्ण तार देन निज चित शक्ति बल, पर भगवान क्या करेंगे? उसका अपना चित शक्ति की बल देते हैं। जब देते हैं ना, माया आकर्षण छाड़ी हया दुर्बल, तब ये माया की जो आकर्षण की कमजोरी हो जाता है। फिर ये जीव क्या करता है? भगवान की भक्ति करते 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 सिद्धार्थ ठाकुर जी को पास में चले जाते हैं। इसलिए कहते हैं जितने दुख का जो जड़ है, दुख का जो जड़ है, हमने भगवान को भक्ति भूल गया, भगवान के भजन को हमने भूल गए। भूलने का नाते जितने दुख कष्ट है, देखो एक उदाहरण देते हैं। जैसे आपका हाथ में एक फोड़ा हो गया, आप किसी डॉक्टर के पास में गए, उसने एक मलम दे दिया लगाने के लिए। आप जब मलम लगाओगे ना, देखना वो फोड़ा फिर दूसरे जगह पर निकलेगा, वहां पर मलम पट्टी करो, देखना वो फिर तीसरे जगह पर निकलेगा। क्योंकि मूल जो है तुम्हारी जो खून है ना, उसमें वो दूषित हो गया है, वो खून दूषित हो गया। अगर खून को अगर सही कर दिया ना, मेरा फोड़ा अपने आप सही हो जाएगा। ये चीज को समझो, जैसे एक कष्ट आ रहा है, हमने सोचा एक कष्ट दूर हो जाएगा ना, फिर घर में शांति मिलेगी। लेकिन आप प्रैक्टिकल रूप में देखना, एक समस्या हल नहीं हुई, दो समस्या सामने खड़ी। फिर हम क्या करते हैं, वो दो समस्या को फिर हल करने के लिए जी जान लगा देते हैं। दो समस्या तो गई नहीं, देखना तीसरा समस्या सामने खड़ी। जैसे हाथी जैसे वो दलदल में जैसे फंस जाती है, हम भी संसार में माया में फंस जाते हैं, है? लेकिन कारण किया, बोले कारण जो है, जो जड़ है ना, उसको हम सही नहीं कर रहे। वो जड़ क्या? जड़ को देखो, जड़ है भगवान की भक्ति। अगर स्ट्रांग भगवान की भक्ति तुमने किया, हनुमान जैसे, प्रहलाद जैसे, ध्रुव जैसे, मीराबाई जैसे, तुलसीदास जैसे, अगर तुमने भगवान की भक्ति कर दिया ना, अपना दुख तो जाएगा ही, सारा दुनिया का दुख तुम दूर करोगे। हनुमान जी को देखो, अपना दुख तो गया, लेकिन उसका जो नाम सुनते भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, बोले क्यों? क्योंकि वो राम का भक्त है। यही चीज को समझो। इसलिए जब तक हम भगवान की दृढ़ भक्ति नहीं करेंगे, लाख प्रचेष्टा कर लो, ये दुख तुम्हारी जाने वाले नहीं। बस जड़ चीज को पकड़ लो, सब खत्म हो जाएगी, है? इसलिए यहाँ कह रहे हैं, जीव का जो परम धर्म जीव का, भगवान को भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। भक्ति बताया, भक्ति में कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, है? ऐसे नहीं भक्ति कर रहे हैं, ठाकुर जी हमें ये करा दो, ठाकुर जी हमारे ये करा दो, ठाकुर जी हम ये करा दो, नहीं, ये नहीं मांगनी चाहिए ठाकुर जी को। देखो एक चीज को समझो, एक व्यक्ति से तुमने मिला, मिलते ही उसे तुमने कुछ पैसा मांगा, एक बार पैसा दे, मतलब तुम्हारा परिचय व्यक्ति, एक बार पैसा दे दिया, दो बार मांगा, दो बार पैसा दे दिया, तीसरा मांगा, तीसरा, चौथा बार ना अगर दूर से देखेगा तो अपना रास्ता घुमा देगा, बोले भैया ये व्यक्ति के पास में जाएगा तो फिर मांग बैठेगा। इसलिए जब ठाकुर जी को हम बारम्बार कोई चीज मांगेंगे ना, ठाकुर जी एक बार मांगोगे, दो तीसरा मांगोगे ना, फिर ठाकुर जी वहाँ रहेगी नहीं, बोले भैया इसको सामने जाते ही ये मांगो, ये दो, ये दो, ये दो, ठाकुर जी फिर भाग जाएंगे वहाँ से, ठाकुर जी वहाँ नहीं रहेंगे। क्योंकि हर समय मांगता रहता है ये दो ये दो, नहीं, ठाकुर को मत मांगो, क्या करो, उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो। भक्ति करने पर जब ठाकुर जी खुश हो गए तुम्हारी ऊपर में, ये दुख तो अपने आप खत्म हो जाएगी, ये सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएगी, मांगने का कोई जरूरत नहीं। ठाकुर तो अंदर में बैठे हुए, ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं, केवल उनकी शुद्ध रूप में उनकी भक्ति करो। इसलिए बोले अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म के द्वारा आवृत नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ हमारी चेष्टा है कृष्णानुशीलन, मतलब ठाकुर जी को कैसे हम खुश करें, गुरु वैष्णव को कैसे खुश करें, बस अगर ऐसे भक्ति कर दिया तो इसी भक्ति को द्वारा ही आत्मा को शांति मिलेगी, और किसी को द्वारा आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छताम अकोत भयम् जोगिनाम नृप निर्णित हरे नामानुकीर्तनम। उनका जो दूसरा प्रश्न था, अभी भगवत प्राप्ति से ही शांति मिलेगी, अभी दूसरा प्रश्न है भगवान हमें मिलेंगे कैसे, ये प्रश्न है। कहते भगवान मिलेंगे, भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताया। बोले ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, क्या करो, हरे नामानुकीर्तनम, हरि का नाम कीर्तन करो, बस इसी से ही तुम्हारी कल्याण हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे अहर निश्चिंत कृष्ण बोलह बदने। ये महाप्रभु का आदेश है, सोते उठते बैठते हर समय क्या करो, हाथों में जो कुछ करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो, और मुंह में ठाकुर जी का नाम, हाथ में काम और मुंह में नाम, बस हो गया, इतनी सी बात, और ज्यादा कोई परिश्रम की जरूरत है नहीं। क्योंकि ठाकुर जी को पता था कलयुग में जीव कुछ नहीं कर सकता है, बस केवल, इसलिए बोले बोले जिह्वा च बस वर्तिन सुलभम भगवत नामम, जिह्वा च बस वर्तिन तथापि नरकम जानती किम आश्चर्य अथ परम। मतलब है कलयुग में कहते सुलभम भगवत नामम, ठाकुर जी ने ये नहीं बताया देखो अगर तुम मेरा नाम जप करोगे ना तुमको कुछ पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर जी बोलते हैं नहीं, बोले सुलभ हम भगवत नाम, दूसरा बोले जिह्वा च बस वर्तिन, ये जिह्वा हमारी बस में है, अगर जिह्वा को बोलोगे इधर उधर बात करने के लिए इधर उधर बात करेगा, अगर जिह्वा को बोलोगे हरिनाम करो फिर हरिनाम करेगा, बोले जिह्वा तुम्हारी बस में। लेकिन तब भी कहते हैं तथापि ये लोग नरक में जाते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य की बात। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर ये हरिनाम करोगे तो सात चीज की प्राप्ति होगी, कितना, सात चीज, क्या क्या, बोले चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का नाम से क्या होगा, हृदय रूपी जो दर्पण है वो भगवान का नाम से साफ हो जाएगा। हम कपड़े को तो साबुन सर्फ से साफ कर देते हैं, लेकिन हृदय को कैसे साफ करोगे, बोले भगवान का नाम से ही साफ हो जाएगा। बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये संसार में जितने दुख कष्ट है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई स्त्री से, कोई बीवी से, कोई बच्चे से, कहते निर्वापन मतलब क्या है, देखो क्या कहते हैं, जैसे कहीं आग लग गई उसको बुझा दो, भैया दो बार में आग तो लग सकती है ना, फिर दो बार, लेकिन अगर भगवान के नाम कोई जप करते ना निर्वापन मतलब वो आग ऐसे बुझ जाएगी कभी आग पकड़ने का कभी दोबारा चांस नहीं, मतलब चिरकाल के लिए तुम्हारे सारे दुख कष्ट मिट जाएगी। तीसरा फल क्या है, बोले श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण, उदाहरण दिया भगवान का जो नाम है कभी चंद्रमा का किरण जैसे, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर रात में एक फूल खिलता है जिसका नाम कुमुदिनी, दिन में तो कमल फूल खिलता है रात को कुमुदिनी है, वो लीली फूल फूलता है, उसी तरह प्रभु का नाम रूपी जब किरण हमारे हृदय रूपी फूल को ऊपर में पड़ेगा क्या होगा, हृदय तुम्हारी खिल जाएगी, हृदय तुम्हारी प्रसन्न हो जाएगी, आनंद में हृदय भर जाएगा। बोले जो जो चौथा है, बोले विद्या बधु जीवन, मतलब ये विद्या को एक बहू को साथ में उदाहरण दिया, लेकिन ये विद्या बधु का जीवन क्या, बोले भगवान का नाम, बोले तात्पर्य क्या है, बोले तात्पर्य है हमने जो इतने लेखा पढ़ा सीखे, कोई MA, कोई PhD, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर किया है, कोई किया, लेकिन इसका सार्थकता कब है, जब भगवान की नाम जब करोगे। इसलिए महाप्रभु जब केशव काश्मीर को परास्त किया, बड़ा विद्वान था जिसको माँ सरस्वती की वरदान थी, पृथ्वी में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता है, लेकिन महाप्रभु बात बात में परास्त कर दिया, उनने सरस्वती की मंत्र की, लगता है नाराज हो गई, सरस्वती स्वयं कहती हैं, देखो क्या कहती हैं, बोले मेरे दो तरह का कृपा है,
मैं जिसको कृपा नहीं करती ना, ये जगत का एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियरिंग की एक डिग्री दे करके संसार में गधा बना देते हूँ, दिन भर संसार में गधे जैसे काम करूँ। लेकिन जिसको पर सही कृपा करती हूँ उसका मैं भगवान तक पहुँचा देती हूँ। इसलिए बेटा आज तेरे ऊपर में पूर्ण कृपा हो गई मेरी, इसलिए जिसको साथ में मिला है ना वो गौरव नारायण मेरे पति है, जाओ उनसे भगवान का नाम लो। फिर जब महाप्रभु के पास में गए, देखो प्रभु क्या कहते हैं, बोले विद्या पढ़े के ना, बोले क्यों विद्या पढ़ते हैं, बोले कृष्ण भक्ति आनने के लिए। यदि सजदी नहीं लो, अगर विद्या तुमने पढ़ लिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं किया, वो विद्या कौन सा काम में आएगा। कदे एदेह छाड़िया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगी विद्या व पौरस संग किच्छु नहीं चले। जब शरीर छूट जाएगी जितने तुमने डिग्री प्राप्त किया डिग्री यही रह जाएगी, दुनिया क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। इसलिए बेटा सारे अहंकार को छोड़ो और भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो। इसलिए यहाँ कहते हैं विद्यावधु जीवनम, विद्या मतलब जानना, किसको जानना, बोले भगवान को जानना है। विद्यावधु जीवनम बोले आनंदाम बुद्धि वर्धनम, जब भगवान के नाम लोगे ना हर समय तुम्हें एक नई 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 आनंद की अनुभूति होगी, एक नई नई आनंद। जगत का जितने आनंद है, देखो जगत का जितने आनंद सब घटने वाले, कोई बढ़ने वाले नहीं। बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा बात नहीं सुनता है, गए आनंद सा है। कोई बढ़िया से बढ़िया सिनेमा एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, देखने की फिर इच्छा नहीं करेगी। कोई बढ़िया खाना रसगुल्ला खाओ, कैसे बहुत बढ़िया, दो बार खा बोल बढ़िया, तीन बार बोल ठीक है, चौथा बार नहीं नहीं और खा लिया तो पंचमा में उल्टी हो जाएगी तुम्हारी। पहले जब शादी करो पहले क्या लगती है, पत्नी चंद्रमुखी, चंद्रमुखी एक चंद्र आकाश में एक चंद्र मेरे पास में, ले वही चंद्रमुखी कुछ दिन बाद में फिर बन जाती है सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी बनकर लड़ाई झगड़ा। ये जगत का कोई भी तुम आनंद देखो कभी बढ़ते हुए नहीं देखोगे, वो हर समय आनंद धीरे 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 नीचे आती है। लेकिन ठाकुर का जो भक्ति है ना, ठाकुर जी को जो नाम भक्ति, ये कभी घटने वाले नहीं, आनंद हर समय बढ़ने वाले। इसलिए एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण कृष्ण भक्ति में सरावर हो जाओगे, एकदम भक्ति रस में तुम डूब जाओगे। बोले श्री हरिनाम संकीर्तन की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए कहते हैं भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, इसी से ही शांति मिलेगी। इसलिए श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले बदंती तत्त्व विदस तत्व जज ज्ञान मद्वयम ब्रह्मति परमात्मति भगवान इति शब्दते। बोले एक ही ब्रह्म है लेकिन उनका तीन, भगवान एक ही है लेकिन उनका तीन तरह का भक्त है, एक कर्मिक भक्त है, एक ज्ञानी भक्त है, एक योगी और एक भक्त है। लेकिन होने पर भी भगवान को सब प्राप्त करते हैं, एक योगी भी एक ज्ञानी भी भक्त भी, लेकिन पूर्ण रूप में किसको प्राप्त, पूर्ण रूप में भगवान किसको मिलते हैं, बोले पूर्ण रूप में केवल भक्तों को ही मिलता है। लेकिन ज्ञानी को एक ज्योति रूप में केवल दर्शन होता है, एक योगी को एक अंगुष्ट परिमाण एक परमात्मा रूप में दर्शन मिलता है, लेकिन भक्तों को पूर्ण रूप में श्री ठाकुर जी दर्शन मिलते हैं। इसलिए सारा दुनिया में कोई नहीं कहता है कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहता है ज्ञानी का भगवान, भगवान किसके हैं, बोले भक्त के भगवान हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे जो भगवान है तदात्मान सृजाम्य, ऐसे जो भगवान, ये जुग जुग में भगवान कृष्ण ही ये अलग अलग अवतार लेते हैं। इसलिए भागवत में 26 अवतार के नाम आई, पहला अवतार ब्रह्मा जी सर्वप्रथम अपना मानस संतान को जो प्रकट किया है, सनग सनातन सनदन और सनद कुमार, ये भगवान का ये सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि है। जब इनको सृष्टि करके बोले सृष्टि की रचना करो, बोले हम ये माया को चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, ये संसार बड़ा दुखमय है, हम तो प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। बोले सृष्टि का पहला तुम हो, भगवान का आदेश है सृष्टि का बड़ा हो, और तुम कह रहे हो हम घर गृहस्थ में फंसेंगे नहीं। बोले नहीं, घर गृहस्थ तो बड़ा दुखमय है। देखो एक समय जब शादी होता है ना, जब लड़की
वो जाती हैं अपना ससुर घर में, देखना लड़की बहुत रोती है। एक समय लड़की बहुत रो रही थी, ससुर घर में जाएगी, परिवार समझा रहे थे, बोले बेटी रो मत, ये श्री के सब अगर भजन करके चले गए मेरे संसार कैसे चलेगा, ये घर गृहस्थी कैसे चलेगा, भगवान आपको परिसम दायित्व तो नहीं दिया है। भगवान का एक ब्रह्मांड नहीं, भगवान के अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे, हैं जैसे प्रहलाद है ना, जब भगवान प्रहलाद को बोले बोले बेटा वर मांगो, देखो प्रहलाद क्या मांगता है, ठाकुर जी से बोले प्रभु ये दुनिया में जितने जीव जो दुख कष्ट पा रहे हैं इनका सारे दुख कष्ट मुझे दे दो, मैं अनंत काल के लिए नरक में जाकर के दुख कष्ट भोग करूँ, लेकिन ये सारे जीव को अपना वैकुंठ में स्थान दे दो। देखो ठाकुर जी क्या कहते हैं, बोले प्रहलाद मेरे एक ब्रह्मांड नहीं, मेरे एक एक लोम कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान है। अगर तुम्हारी ऐसे इच्छा है एक ब्रह्मांड उधार हो जाए, तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं, तेरी इच्छा से एक ब्रह्मांड को मैं मुक्त करके मैं अपना वैकुंठ स्थान दे देता हूँ तेरी इच्छा से, लेकिन तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी एक ब्रह्मांड नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड एक एक लोम कूप में भगवान की विद्यमानता है। इसलिए जो चतुर्सन सृष्टि से पहले जो हुए हैं वो शिक्षा देते हैं, ये जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, अगर ये जीवन में भगवत प्राप्ति अगर कर लिया तो समझो तुम्हारे जीवन तुम्हारी सार्थकता हुई है। दूसरा जो अवतार हुआ है भगवान की है, कहते भगवान बराह अवतार में आई और उन्होंने ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार की, कहते और वहां से भगवान जो बराह अवतार में उन्होंने हिरण्याक्ष को उन्होंने वध किया। इसलिए कहते हैं शाम को हमें चार काम नहीं करनी चाहिए, कितना काम हम बताए ध्यान करके सुन लो, चार काम हमें क्या नहीं करनी चाहिए, शाम को ठीक समय में नहीं पढ़नी चाहिए। अगर शाम को पढ़ोगे ना बच्चे लोग पढ़ेंगे, कहते ना बच्चा तो पढ़ता है लेकिन याद नहीं रहता है, ये शाम को नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन उसी समय ठाकुर को स्तुति स्तव, जैसे ठाकुर का आरती करो, ठाकुर का भजन पूजा करो, शाम को ये करनी चाहिए। दूसरा काम, शाम को भोजन नहीं करनी चाहिए, जो व्यक्ति शाम को भोजन करेगा उसका उदर का पेट का रोग रहेगा है। और तीसरा नंबर है शाम को कभी सोनी नहीं चाहिए, जो व्यक्ति शाम को सोएगा ना ठीक संध्या का समय में, घर में कभी माँ लक्ष्मी कभी नहीं आएगी घर में, उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी लक्ष्मी। इसलिए चौथा नंबर है स्त्री को साथ में सहवास नहीं करनी चाहिए है। इसलिए ये हिरण्यकश्यप कैसे जन्म हुए, बोले एक समय दीति ठीक शाम का समय में सीसा को सामने खड़ी होकर के वो राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार की, श्रृंगार करके जब अपना रूप को देखी स्वयं काम में मुग्ध हो गई। उसने कश्यप ऋषि को जा करके जोर जबरदस्त मिले, कश्यप ने मना किया, बोले देख ये जो समय है शंकर जी इसी समय में अपना चरों को लेकर के घूमते रहते हैं, हैं अगर इसी समय तुम मेरे साथ में मिलोगे ये असुर का समय है, तेरे पेट में राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे। और वो जोर जबरदस्ती कामातुर हो गई थी, इसलिए मिली तो बास हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जिनके गर्भ से राक्षस जन्म हुई, लेकिन बाद में अपना दोस्त को उसने समझ गई, उसने माफी मांगी, मेरे से अपराध हो गया, मैं काम में आतुर हो गया था, मेरे अपराध को माफ करो, गलती तो काम की लेकिन उसने माफी भी मांगी है। तब ऋषि ने वरदान दिया, बोले ठीक है तुम अपना दोष को जब स्वीकार कर रहे हो, देखो अगर हमसे कहीं दोष हो गया ना ऐसे नहीं दोष करके अकड़ करके बात करो, नहीं अगर हमसे कोई गलती हो गया गुरु वैष्णव भगवान से माफ़ी मांग लो, ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु है ठाकुर जी। इसलिए बोले देखो तेरे बेटे तो दैत्य बनेंगे लेकिन तेरे जो पोता हो गया ना, बेटा का जो बेटा होगा वो मेरे परम भक्त श्री प्रहलाद रूप में जन्म ग्रहण करेगा। बोले भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री प्रहलाद महाराज की। देखो और एक चीज समझो, कहते जो स्नान है ना, कहते चार तरह का स्नान है, कितना तरह का स्नान है, क्या क्या, बोले पहला जो स्नान है कहते ऋषि स्नान, ऋषि स्नान कहते किसको, जैसे सूर्य उदय होने से एक घंटा 36 मिनट पहले जो स्नान है ब्रह्म मुहूर्त में, इसको कहते ऋषि स्नान।
अगर उस समय आप स्नान करके देखो, आपका शरीर से आधा बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी स्नान करने का साथ साथ ब्रह्म मुहूर्त में। दूसरा स्नान बताए देव स्नान, जिस समय देवता लोग स्नान करते हैं। बोले ये कब स्नान करते हैं? बोले सूर्य उदय ठीक से पहले ये स्नान कर लेते हैं, ये देवता स्नान है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा भोगी है ना इसलिए। तो तीसरा जो स्नान ये नर स्नान कहते, नर स्नान मतलब इंसान कब स्नान करनी चाहिए, इनको सूर्य उदय समय में उसी समय में स्नान कर लेनी चाहिए, हैं ठीक सूर्य उदय समय में। कहते राक्षस स्नान किसको कहते हैं? कहते सूर्य उदय के बाद में जो नहाते, इसलिए कहते राक्षस स्नान। इसलिए पहले तुम घर में देखना माताओं को, हमारे जितने बड़े बूढ़ों कितने बजे उठते थे, वो सब के सब उठ जाते थे, सवेरे सवेरे उठ जाते थे, घर का सारे काम काज करके सब स्नान स्नान कर लेते थे, पहले करते थे ना। जितने बड़े बूढ़े लोगों को देख लो, एकदम सवेरे सवेरे उठ करके सबके सब स्नान करते थे, तिलक पाठ पूजा गीता रामायण ये सब के सब पढ़ते थे। लेकिन ये टीवी स्मार्टफोन आ करके ना हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया। एक दो बजे तक देखो टीवी और सो, आठ नौ बजे तक और उठो, आठ नौ बजे तक, क्योंकि ये नियम नहीं है। इसलिए ये राक्षस जन्म हुए, कारण है, कारण यही था। और जो व्यक्ति सूर्य उदय को बाद में उठ करके नहाते उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती, लक्ष्मी घर से इनके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए पहले पहले देखो घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां है ना, घर की लक्ष्मी कौन है? स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। इसलिए घर का स्त्रियां पहले क्या करती थी, एकदम पति उठने से पहले उठ करके नहा धो करके सारे गोबर लिथवा पोता सारे सेवा करती थी, क्योंकि घर की लक्ष्मी स्त्रियां हैं। इसलिए आप लोगों को तो सबसे जल्दी जल्दी उठनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए उठ करके अपना पूजा पाठ तिलक हरिनाम इस सब चीज़ को, ठाकुर जी का आरती ये सब काम को करनी चाहिए। इसलिए भगवान की जो दूसरा अवतार हुए हैं ये बराह अवतार हुए, जिन्हें हिरण्याक्ष को जिसने वध किया है। भगवान के जो तीसरा अवतार श्री नारद जी आए, कहते ये नारद जी भगवान के मन की अवतार श्री नारद बाबा। बोले श्री नारद बाबा की, ये नारद ऐसे हुए ना। लेकिन जगत में नारद का बड़ा बदनामी है, हम क्या कहते हैं, तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब आपस में क्या लड़ाई झगड़ा करा रहे हो? नहीं, नारद ऐसे नहीं, इनका नाम नारद, जो कभी रद्द नहीं होते हैं। नर मतलब अज्ञान, द मतलब खंडयति, अज्ञान को जो दूर करते हैं। नर मतलब होता है रस, द मतलब जो रस देते हैं, ये सबको रस देते हैं नारद जी। इसलिए नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है सारे आसक्ति को जो नष्ट कर देते हैं, ये श्री नारद जी। और नारद जी के जिस समय दक्ष प्रजापति ने ये सृष्टि की, सृष्टि करके उन्होंने नारद जी को पास में भेज दिया, जाओ नारद जी को पास में पढ़ाई लिखाई करके आओ, नारद जैसे गुरु है, हैं नारद भगवान की प्रिय भक्त है श्री नारद जी, इनको पास में पढ़ने लिखने के लिए गए। जब पढ़ाई खत्म हो गया तब ये जा रहे थे वापस घर में, इतने में श्री नारद जी बोले, देख बच्चों तुम जा रहे हो घर गृहस्थी करने के लिए, पहले समझ लो ये संसार है क्या चीज, जान बुझ करके जाओ। तब उन्होंने कुछ कूट प्रश्न किया, देखो ध्यान देकर सुनो। इनका पहला प्रश्न था, बताओ तो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है। आप लोगों ने नदी देखे हो, जैसे नाला तो बह रही है, ये दो तरफ में बह रही ना, एक तरफ में बह रही है, एक तरफ में। बोले गुरु जी हमने तो नदी देखा एक तरफ में बहते हुए, आप तो कह रहे हो कौन सा नदी जो दो तरफ में बहती, हमने तो नदी ऐसे देखा नहीं। बोले यही तो प्रश्न है, बताओ ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ दो तरफ में बहती है। वो उत्तर नहीं दे पाए। बोले जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु मतलब जैसे हम जन्म हुए, एक तरफ में जब बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, परमाई घटते घटते जा रही है। हम कहते ना तुम्हारी कितनी उम्र है, बोले हमारे 50 साल की, अपना गोप में हाथ लगा दे 50 साल की हुए हैं। बोले 50 साल की तुम नहीं हुए हो, 50 साल तुम्हारी कम हो गया, 50 साल हमारी कम हो गया, हम कोई बढ़ नहीं रहे, हम सबके सब धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। कभी एक समय जन्म और एक साथ में मृत्यु, दोनों एक साथ में बहती हैं। बोले ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में एक बार घुस जाओ ना निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। बोले गुरुजी घुस जाएंगे तो निकल आएंगे। बोले प्रश्न तो यही है, जिससे एक बार घुसोगे निकलने का रास्ता
नहीं मिलेगा। कहते वो कौन सा बीज, बोले घर गृहस्थी। आप देखना सोच रहे हो शायद बच्चे को थोड़ा लिखा पढ़ा सिखा दे हैं, फिर तो मेरे सारे बस सारे हमारी समस्या खत्म। पढ़ा लिखा दिया, बोले इसके लिए फिर तो नौकरी ढूंढो, फिर नौकरी ढूंढ लिया, बोले इसको शादी करा देना, बस सारे काम खत्म हो जाए। बच्चे का शादी कर दिया तो बहू आ गई। फिर पहले जो कि सत्संग में जाती थी, फिर सत्संग में आना कठिन, फिर तो एक नाती पोती हो गया ना, फिर हो गया तुम्हारे सत्संग जाना। बहू ताना मारेगी, कहाँ कहाँ डोलती रहती हो, कोई काम धंधा नहीं, बच्चे को नहीं देखोगे, अगर नहीं देखोगे ना रोटी फेंक करके देगी, मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, ताना मारती रहेगी हैं। इसलिए आप देखना संसार में जितने आप फंसते जाओगे उतना ही एक समस्या आती जाएगी। इसलिए एक बार इसमें घुस जाओ, निकलने का मरने का पहला तक भी 100 साल हो गया, देखना 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे, ये करना सो करना। कहती ये कौन घर गृहस्थी, बोले ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं लेकिन वो चक्र अपने आप घूमती रहती है। हाँ कहती ये काल चक्र है, जैसे हमने जन्म हुए धीरे धीरे बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई सीखे, पता नहीं कब बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला, हाँ आँख में कमजोरी आ गया, दांत टूट गया, चमड़ी ढीली हो गई है, धीरे धीरे राम नाम सत्य हो जाता है, ये चक्र को कोई नहीं घुमाता है लेकिन ये चक्र अपने आप घूमती है। उनका चौथा प्रश्न है, बोले सभी का चक्र तो घूम रही है लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूमती नहीं, वो एक जगह पर खड़ा है, बोले किसकी चक्र है, बोले आयुर हरति वही पुंसान उद्यन अस्तन जन असौ तस्रीते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता। देखो इतना चीज लेकर के जाओ, सभी का काल चक्र तो घूम रही है लेकिन एक व्यक्ति का काल चक्र घूम नहीं रहा है, उसका परमाणु नष्ट नहीं हो रहा है, वो एक जगह पर खड़ा है। बोले किसके, कहती जो सूरज है वो सूरज नहीं ये काल है, ये पूर्व दिशा में उदय हुए पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, एक दिन खत्म, लेकिन किसका नष्ट नहीं कर पाता है, बोले तस्रीते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक वार्ताया। जितना समय हम ठाकुर की कथा सुनते हैं, जितने समय ठाकुर का नाम लेते हैं, जितने समय ठाकुर जी की भजन पूजा पाठ कर रहे हो, वो काल चक्र खड़ा है, क्योंकि जो काल का जो काल है ना ये भगवान है, ठाकुर है, उनका जो भक्ति भजन करने वाले उनको ऊपर में ये काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये काल चक्र भी काल को दुनिया डरता है लेकिन भक्तों को काल डरता है, भक्तों को काल डरता, कारण क्या, वो हर समय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ऐसे ही भगवान की 24 अवतार है लेकिन ये बोलते बोलते बीच में बोले कृष्ण भी एक अवतार, फिर बोले मैं तो गड़बड़ी कर दिया, क्यों बोल दिया कृष्ण भी अवतार, बोले कृष्ण अवतार नहीं कृष्ण अवतारी, क्योंकि जिनसे ये सारे अवतार हुए हैं, इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये पूर्ण ब्रह्म केवल भगवान ये कृष्ण हैं। इसलिए कृष्ण कहते ना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान मधर्म से तदात्मान सृजाम्यम। कृष्ण कहते हे अर्जुन जब जब इसी जगत में धर्म को ऊपर में हानि होने लग जाए, गो ब्राह्मण पृथ्वी को ऊपर अत्याचार होती हैं, तब तक मैंने ही कभी मत्स्य अवतार में, कभी कुर्म अवतार में, कभी नरसिंह अवतार, कभी वामन अवतार में ही जगत में प्रकट होकर के धर्म को स्थापन करता हूँ, दुष्टों को संहार करता हूँ और संतों को मैं पालन करता हूँ। ये कौन है, बल्कि ये भगवान कृष्ण, ये 16 कला में परिपूर्ण ये पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा क्या कहते हैं, बोले ब्रह्मा कौन है, ये हमारे आदि गुरु, ये हमारी आदि गुरु, क्योंकि ब्रह्मा से ही धीरे 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 हम लोग आए हैं, इसलिए ये आदि गुरु जो जगत को सृष्टि करने वाले वो क्या कहते हैं, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज कसाम
जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा कह रहे ये कृष्ण कौन है, बोले पूर्ण कहते ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्ण स पूर्ण मुदच्यते पूर्ण स पूर्ण सते कहते उनसे पूर्ण आने पर ही पूर्ण उनसे पूर्ण आने पर ही पूर्ण तभी वो पूर्ण पूर्ण रहते हैं। ब्रह्म है वो सनातन जो पहले थे अभी है और जो बाद में रहेंगे। ये कौन है, बोले भगवान श्री कन्हैया, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हम इनको भजन कर देते हैं ना फिर हमें दर दर भटकने का जरूरत नहीं। कहते नहीं अमुक जगह पर एक बाबा आया चलो वहां चलते हैं, अरे वहां पर कोई नई देवी आई है चलो नई देवी, अरे वहां पर कोई नया ठाकुर जी प्रकट हो नहीं। अगर इधर उधर भटकोगे ना कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, वो पहले ही से ही टेढ़े हैं। अगर आप सीधा बनोगे तो सीधा बन जाएंगे, अगर आप भी टेढ़े बनोगे ना तो पहले से ही टेढ़े हैं। इसलिए इधर उधर जहाँ पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई, इधर उधर उनको भक्ति करते हुए इधर उधर हमें नहीं जानी चाहिए। केवल उनके चरणों को पकड़ करके रखो, केवल उनकी चरण को पकड़ करके रखो, क्योंकि इनके आदेश पर ही ये जितने ब्रह्मा इंद्र चंद्र जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर है वो जितने बड़े बड़े मंत्री उसके हाथों में उसकी इशरा पर काम करते हैं। कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, कहते ये सर्व कारण का कारण ये कन्हैया। अगर ये अगर नाराज हो गए ना सारा दुनिया को तुम राजी कर दो कोई कुछ कर नहीं सकते, अगर ये अगर राजी हो गए ना सारा दुनिया अगर तुम्हारे ऊपर बिगड़ गया 33 करोड़ देवता तुम्हारी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए जैसे श्री रावण का नाम सुने ना, उसने सारे देवा देवी को घर में बांध कर रखा था। जब हनुमान जी गए देखा उसको घर में अग्नि कपड़ा साफ कर रही थी, हनुमान देखा उसको पिता वायुदेव घर में झाड़ू लगा रहे, बोले हे भगवान मेरे पिता घर में झाड़ू लगा रहे हैं, झाड़ूदार का काम कर रहे हैं, काल को तो पैर को नीचे दबा करके बैठा हुआ था। जितने नवग्रह को हम पूजा करते हैं देखा चारों तरफ में बंधे हुए सबके सब हैं। ब्रह्मा वेद सुनाने के लिए बोले चुप रहो अभी वेद मत सुनाया करो, डांट लगा रहे थे सबको इतने पराक्रम, लेकिन कोई रक्षा नहीं कर पाया रावण को। लेकिन एक विभीषण बच गया, कारण क्या है केवल प्रभु का शरण में था। इसलिए हनुमान जी पूरा लंका को जला करके राख बना दिया, कोई बचा है नहीं, लेकिन एक विभीषण का घर उसने छोड़ दिया था और बच गया केवल विभीषण, अब सबके सब खत्म। इसका शिक्षा देते हैं जब हम प्रभु की शरण में आ जाएंगे ना बस केवल बच्चे तुम रहोगे और दुनिया में सब खत्म हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए इधर उधर हमें नहीं भटकनी चाहिए, एकनिष्ठ होकर के भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी ये सृष्टि का प्रारंभ हो रही है, सर्वप्रथम भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान आदेश दिया बोले जगत का सृष्टि करो। सर्वप्रथम उन्होंने चतुष्वन को सृष्टि की, संसार के लिए मना की, फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो रुद्र देव प्रकट हुए, रुद्र को आदेश दिए, उन्होंने भूत पिशाच सृष्टि करना शुरू कर दी, बोले ये कोई सृष्टि है बंद कर जरूरत नहीं। फिर उन्होंने कर्दम ऋषि को सृष्टि की, फिर उन्होंने अपना 10 संतान, फिर अपना शरीर से मनु और सतरूपा को सृष्टि करते हैं। यही मनु सतरूपा से ये सृष्टि प्रारंभ हुई, इसलिए हमको मानव कहलाते हैं। हमको क्या कहते हैं, हमको ये मानव कहलाते हैं। उनके मनु सतरूपा से फिर उनको 2 बेटे और 3 बेटी हुई, 2 बेटे में एक उत्थान पात प्रिय व्रत हुए, 3 बेटी में आकृति देहूति और प्रसूति, ये 3 बेटी हुई। यहाँ पर माता देहूति की कथा आती है, जब कर्दम ऋषि को साथ में शादी हो गई, कर्दम ऋषि फिर भजन में बैठी गए 10,000 साल, लेकिन उन्होंने अपना पतिव्रता धर्म को साथ में पति को उन्होंने सेवा करते रही। जब 10,000 साल के बाद में आँख खोली उन्होंने देखा सामने एक डोकरी बैठी, बोले ये डोकरी कौन है, तो बोले तुम कौन हो, बोले भूल गए आपने कभी शादी किया था, बोलो तो वही देहूति, वो इतनी सुंदरी थी पहले स्वर्ग के देवता लोग भी जिनकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते थे, लेकिन उसने पति सेवा करते करते उन्होंने एकदम बूढ़ी हो गई। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं पति सेवा में, हमारे सनातन धर्म में क्या कहता है, पति ही परमात्मा, हमारे ये कहते हैं ना पति ही परमात्मा है,
हैं, इसलिए पति उसने पति की निष्ठापूर्वक सेवा की। भाई पति पति भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं पति तो बन गए फिर उल्टा पुल्टा काम करने, पति फिर पति भी होनी चाहिए, पत्नी भी पत्नी होनी चाहिए। स्त्री को गृह लक्ष्मी बताई गई हैं, इसलिए उसने जब पति की उसने सेवा की, पति जब संतुष्ट हो गए बोले ठीक है जाओ ये बिंदु सरोवर में स्नान करो। स्नान करते ही पहले जितने सुंदर थी ना उससे भी ज्यादा सुंदरी बन करके वो प्रकट हुई, हजार दास दासियों को साथ में। बोले तुम्हारी इच्छा किया, बोले भगवान से क्या वरदान मांगे थे, आप मेरे बेटे बन करके आओ। बोले हाँ, बोले भगवान तो बेटे बने ही नहीं अभी तक। तब उन्होंने एक एक कामक विमान सृष्टि की जो बिना इच्छा से ही आकाश में घूमते रहे, और वर्णन आती है कितने क्रोश तक थी, जिसमें सरोवर राजमहल सुंदर पेड़ पौधा लता पताओं से भरा पड़ा हुआ, जिसमें कोयले कुहू कुहू कहते हैं, मयूर के का कर रहे, बड़ा अद्भुत उन्होंने वर्णना की। और जिसमें बैठ होना, जिसमें एयर कंडीशन, जिसमें ठंडा नहीं गर्मी नहीं, और जिसमें बैठ होना कभी तुमको भूख प्यास नहीं लगेगी, इतने आडभान से पहले ये साइंस थी हैं। कामक मतलब जैसे इच्छा करोगे, अभी बैठ करके खूब उसमें भ्रमण किए और उनको नौठ बेटी हुई। बोले अभी तो खुश हो गए ना, सुंदरी से सुंदरी बेटी हुई। बोले खुश हो गई ना? बोले नहीं, अभी तो ठाकुर जी बेटे रूप में नहीं आए। जब उन्होंने पतिव्रता धर्म के साथ में पति की सेवा की, ठाकुर स्वयं श्री कपिल मुनि रूप में ठाकुर जी आते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की, जोर से बोलो, बोले श्री कपिल भगवान की। जब कपिल रूप में ठाकुर जी आए, अभी उन्होंने ठाकुर जी से वर मांगे थे। बोले ठाकुर जी घर में संतान होगा ना, फिर मैं भजन करने के लिए चला जाऊंगा। बोले कोई चिंता नहीं, लेकिन घर में बेटियां आ गई, अगर घर में बेटी हो तो पिता माता का पहला कर्तव्य अपना बेटियों को पहले शादी करो, ये सबसे हमारी पहला कर्तव्य है। लेकिन एक बेटी को शादी करो तो घर खाली हो जाता है, और जिनके पास में नौ नौ बेटियां हैं हैं, लेकिन जो व्यक्ति प्रभु का भजन करता है ना, ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी कर लेते हैं। एक समय ब्रह्मा अपना बेटियों को साथ में आए, नारद तो बचपन से त्यागी है, बेटे को साथ में आए तो नौ बेटी और नौ बेटे, जोड़ी तो बड़ी प्यारी है। बोले भैया शुभम शीघ्रम, शुभ कार्य को शीघ्र कर लो, एक साथ में नौ बेटी खाली, पूरा घर खाली। फिर रह गए पिता माता और बेटा। अभी कर्दम ऋषि घर छोड़ करके उन्होंने भजन करने के लिए चले गए, तब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं उन्होंने घर छोड़ कर क्यों गए, तीन कारण बताया उसको पीछे। घर में तो तुम्हारी भगवान है, फिर तुम जंगल में कहाँ ठाकुर को ढूंढ, ठाकुर है। पहला कारण बताया, इनको जो भगवान के प्रति जो भावना दास्य रस, प्रभु मेरे प्रभु और मैं उनका सेवक हूँ, लेकिन प्रभु स्वयं बेटा बन कर गया। अरे बेटा बन करके आए तो अभी ठाकुर को तो बेटे रूप में देखना पड़ेगा, लेकिन उनका जो रस है मूल रस दास्य रस है, देखा रस में ना बड़ा लड़ाई हो रहा है, इसलिए उन्हें चले गए। दूसरा कारण है भगवान स्वयं बेटे बन करके आए, उनको पता कुछ दिन बाद में बेटा भी साधु बन करके जाएगा। अगर घर में भगवान आए फिर बेटा फिर साधु बन करके चले जाए, कितना दुख की बात है। बोले तू जाने से पहले मैं ही चले जाता हूँ। तीसरा कारण बताए, मैंने है भगवान की भक्ति, भक्ति अगर हृदय में भक्ति नहीं हो, अगर भगवान भी मिल जाए कोई लाभ नहीं। जैसे रावण, राम को देखा कि नहीं देखा ना, क्या किया भगवान के साथ में लड़ाई किया। मेघनाद ने ठाकुर को देखा, साक्षात लक्ष्मण को शक्ति से ले प्रहार की, राम लक्ष्मण को नागफास बंधन में बांध दिया। कंस ने कृष्ण को देखा लेकिन भगवान को मारने के लिए जिंदगी भर कोशिश किया। शिशुपाल कृष्ण खड़े हुए और 101 गाली निकाल दिया ठाकुर जी को। बोले ठाकुर जी को देख करके हृदय में परिवर्तन क्यों नहीं हुई, क्योंकि हृदय में भक्ति नहीं। अगर हृदय में भक्ति नहीं ना, अगर हमें ठाकुर भी मिल जाएंगे कोई तुम्हारे लाभ होने वाले नहीं। इसलिए भक्ति मिलेगा कैसे, जब साधन करोगे, बगैर साधन के साधन मिल नहीं सकता। इसलिए भगवान रहते हुए भजन के लिए चले गए, घर में माँ बेटी रह गई, माँ को पता मेरे बेटा भगवान है। एक दिन माँ लोक शिक्षा के लिए प्रश्न करती हैं, बोले बेटा तू तो भगवान हो, मैं तो साधारण जीव हूँ, बताओ मैं स्त्री जाती हूँ, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर मन भटकता रहता है, मेरे को कुछ ज्ञान की बात बताओ। भगवान ने अपना माँ को लक्ष्य करके उन्होंने बताया, बोले माँ ये जो मन है
मन एव मनुष्यानाम कारण बंध मोक्षव। ये मन ही मेन है, ये मन को प्रभु का चरण में लगाओगे मुक्ति का कारण बनेगा, अगर विषय में लगाओगे तो बंधन का कारण बनेगा। इसलिए माँ ये मन को ठाकुर के चरण में लगा। बोले बेटा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे भजन करो? बोले माँ सत्संग करो। इसलिए बोले सतांग प्रसंगात मम वीर्य संविदो भवती हृत कर्ण रसायन कथा ताज्वसन असो अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिषति। माँ संतों का संग करो, क्योंकि संतों का संग करोगे ना, मेरी कथा सुनोगे, मेरी कथा सुनते सुनते धीरे धीरे श्रद्धा, फिर व्रति, फिर कथा सुनते सुनते कृष्ण प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति होगा। इसलिए मेरे भक्तों का संग करोगे तो अप वर्ग वर्तमनि, प वर्ग मतलब होता है प फ ब भ म, मतलब अगर साधु संग करोगे तुम्हारी जो परिश्रम सब नष्ट हो जाएगी। फ फ मतलब होता है फेन बा झांक, जो परिश्रम करते करते मुंह से झांक निकल जाती है ना, बोले उस भी खत्म हो जाएगी। ब ब मतलब होता है व्यर्थता, भ भ मतलब होता है भय, और म मतलब होता है मृत्यु। अगर तू सत्संग करोगे इस तुम्हारी सारे ये दुख कष्ट तुम्हारी सारी खत्म हो जाएगी, ये जन्म मृत्यु से चिरकाल के लिए मुक्त होकर के मेरे पास में चले आओगे। फिर माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने बोल दिया संत संग करो। बोले हाँ। बोले संतों को पहचानना अभी तो बड़ा कठिन है, अब विशेष करके कलयुग में तो पहचानना बहुत बहुत ही कठिन है संतों का। इसलिए भगवान ने कहा माँ उनका कुछ साधारण लक्षण है, कुछ विशेष लक्षण है। बोले क्या है? बोले तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव साधता साधु भी साधु भूषण। संतों का पहला लक्षण देखो, ध्यान देकर सुनो। आप ये मत समझो जो घर द्वार छोड़ करके ना मंदिर में आकर बाबा बन गए वही संत, नहीं, संत हुए हैं। महाप्रभु कहते घर में रहो और बाहर में रहो, कहीं भी रहो, जो भक्ति करते वही संत है। युधिष्ठिर महाराज का नाम सुने हो, पंच पांडव कितने बड़े बड़े संत हैं, ठाकुर जिनके घर में दिन भर रहते थे। भागवत में त्यागी संतों का नाम कम आएगा, ध्रुवकन गृहस्थ, प्रहलाद गृहस्थ, अम्बरीश महाराज गृहस्थ, गोपियाँ गृहस्थ, इसमें केवल नारद जी का कथा आता है जो कि त्यागी, और सबके सब गृहस्थ ही। इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये मत समझो जो संसार छोड़ करके और ये गौरी की वस्त्र पहन लिया वही साधु, नहीं, साधु हुए हैं। महाप्रभु कहते गृह वा बने थे थाके हा गौरांग बोली डाके, घर में रहो नहीं तो वन में रहो, जो भगवान की भक्ति करते वही संत हैं। यहाँ पर कहते हैं हमको क्या क्या गुण होनी चाहिए, ध्यान देकर सुनो। पहला गुण है हमारी अंदर में तितिक्षा, तितिक्षा मतलब सहन शक्ति। अगर बात बात में बिगड़ जाओ, बात बात में क्रोध आता है, नहीं, घर में रहो और संत जीवन में रहो, कहीं भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करनी चाहिए? इसलिए कहते जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश है। इसलिए पहला शक्ति सहन करना, ये चीज को सीख लो। अगर सहन करना सीख रहे ना, तुम कहीं भी रहो ना, तुमको जीवन में शांति सुख मिलेगी। अगर सहन नहीं करोगे, तुम कहीं भी रहो, कहीं भी तुम्हें चैन मिलेगी नहीं। इसलिए एक सूत्र पकड़ लो, सहना शक्ति सीखे। देखो एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम, हैं, नरसिंह भक्त, इनको कुछ लोगों ने सोचा आज इनको हम क्रोध दिलाएंगे, कभी इनको क्रोध नहीं आता है। बोले बाबा स्नान करके आएंगे गंगा से, टोकरी में कचड़े लेकर के बड़ा सर पर डाल दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं बोला, जा करके फिर गंगा में नहा करके आए, दूसरा बार आगे, दूसरा बार 100 बार उनके सर पर डाले, कुछ भी नहीं बोले। जब नहीं बोले ना, उनका चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आपके चरण में हमने अपराध कर दिया, 100 बार कचड़े डाले तब भी कुछ नहीं बोले। बोले तुम लोग जैसे मित्र मेरे कोई होगा थोड़ी, क्योंकि रोज रोज गंगा में एक बार नहाता था, अब तुम लोगों का वजह से आज कितने बार नहा लिया, 100 बार हमने नहा लिया। ये संतों का, ये क्या है संतों की, ये दृष्टि, संतों की ये दृष्टि है। इसलिए और ये संत थे, लेकिन उनका पत्नी, ये संत दिन भर भजन करते थे, जो पत्नी था बहुत बिगड़ती थी, क्योंकि जो आता था सबको वो बांट देते थे, सारी चीज बांट देते थे, कोई चीज नहीं रखते थे। एक दिन उन्होंने कहीं कथा की, वहां पर बहुत कुछ चीज मिला। जब बहुत कुछ चीज मिला, उनका पत्नी सोच रही थी आज मेरे पति को
बात दान दक्षिणा खूब मिला, आज घर में खूब दान दक्षिणा लाएंगे। लेकिन जब कथा सुन करके आए, बहुत दान दक्षिणा मिला, लेकिन सबको लुटाते 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 आए, और आते समय ना केवल एक गना की, एक गना रह गया और कुछ नहीं, गना की लकड़ी और कुछ नहीं। जब उन्होंने घर में आए, पत्नी सोच रही थी आज बहुत दाम दक्षिणा मिलेगा, बढ़िया से खाऊंगा, लेकिन ये सब लुटा लुटा करके आए, एक गन्ने की हाँ डंडा लेकर के आए, और उनको पत्नी को इतना क्रोध आया, डंडा लिया, पति को मार जोर से मार दिया, तो इतने में जो गन्ना एक टुकड़ा था ना, हो गया दो टुकड़ा, दोनों को पकड़ लिया, अभी दो टुकड़ा हो गया। तो पति कह रहे हैं, मैं तो अभी ये सोच रहा था गन्ना एक है और खाने चूसने वाले दो है, अभी इसको मैं कैसे, अभी इसको मैं कैसे, हाँ कैसे क्या करूँ। अच्छा किया तुमने मारे, तो दो टुकड़ा हो गया, अभी एक टुकड़ा तुम चूसो, मैं चूसता। मतलब ऐसे ऐसे संत हुए हैं, और भजन करने वाले ऐसे ऐसे संत हुए हैं। इसलिए संतों का जो पहला लक्षण है ना, कहते तितिक सब, मतलब सहन करना सीखो, बात बात में लड़ाई झगड़ा मत करो। ये महाभारत का कारण क्या है, पहले बताए ना, हर चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठे, किस में हड्डी नहीं, जी में। इसलिए हर से लपर 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 कुछ कुछ ना कुछ बोलेगा और चुप नहीं रहता है, हैं? ये महाभारत भी इसी कारण हो गया, इतना बोल दिया अंधा का बता अंधा होता है। पूरा महाभारत संसार में भी देखना, कुछ हुआ ही नहीं, केवल जीवा कैसे थोड़े से स्लीप हो गया, बस पति को कान में मंत्र देकर रात को बोले सुना ही, उसने क्या बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था, ऐसे बोल रहे थे, बस भाई भाई में बहु बहु में फिर तो घर में लड़ाई। इसलिए क्या करो, ये जीवा को पहले चुप रखो, जीवा को चुप रखो, जितने लड़ाई झगड़े का कारण यही, यही मित्रता बना सकती, यही शत्रुता बना सकती। दो मीठी, दो शब्द मीठी बोल दो, मित्र बन जाएंगे, दो शब्द कड़वा बन दो, सब के सब हमारी शत्रु बन जाएगी। इसलिए दूसरों को पर दोष नहीं दे करके अपना दोष को हर समय देखा करो, अपना दोष को। इसलिए भगवान संतों का लक्षण कह रहे हैं, उन्होंने तो 25 लक्षण बताए, लेकिन एक विशेष लक्षण है, बोले क्या है, बोले मई अनन्य भावे न भक्ति कुर्बंत जय दृढ़ ध्यान देकर सुनो, ये ठाकुर कह रहे हैं भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले मई अनन्य भावे न, भक्ति अनन्य होनी चाहिए, बहु नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, आज सोमवार है ना, शिव मंदिर में जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बम बम भोले बाबा, हाँ लाज हमारी रक्षा करो, सब कुछ आप मेरे हो, आपके सिवाय कोई नहीं। लेकिन जब मंगलवार आएंगे ना, उनको तरफ में देखे भी नहीं, सीधा हनुमान जी के मंदिर जाएंगे, और जो बोल रहे थे शंकर जी को वही बात हनुमान जी को बोलेंगे, शंकर क्या बेवकूफ है, बोलेगा देखो कितना दुष्ट है, कल मेरे पास में आया था और बोल रहा था तन मन धन तेरे चरण में, तुम ही सब कुछ, आज तक मेरे तरफ में झांक कर भी नहीं देखा। यही बात ये हनुमान जी को कहता है, जब बुधवार होगा ना, हनुमान को पास में नहीं, सीधा गणेश जी के पास में जाएंगे, फिर जब बृहस्पतिवार आएगा, फिर सीधा लक्ष्मी के पास, नहीं भगवान को ठग नहीं सकते, वो सब जानते हैं। इसलिए एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इसलिए भगवान के चरण को प्रार्थना करो, सबका सम्मान करो, किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए, हैं? शंकर जी के मंदिर प्रणाम करो, उनको भक्ति प्रार्थना करो, गणेश जी से भक्ति मांगो, क्योंकि इनकी कृपा से ही प्रभु का प्रेम मिलती, भक्ति मिलती है। ये सबके सब भगवान के सेवक है, ठाकुर ने ही इनको एक एक पोस्ट दिया, सबका सम्मान करो। लेकिन हृदय में है ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला दूसरा नो वही, हृदय में उनको बैठा करके रखो। इसलिए ठाकुर जी संतों की लक्षण बताए, फिर उन्होंने बोले माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो जाए, लेकिन जो व्यक्ति मेरे नाम को ग्रहण करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ, सुपाच अभी महिपाल, वो चंडाल क्यों नहीं हो, अगर मेरे नाम को ग्रहण करता है, क्या समझो पूर्व जन्म में उसने चार ही काम करके आए, कितना काम, चार, क्या है चार काम, क्या है, पहले जन्म में सारे तपस्या कर चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे दान पुण्य कर चुके हैं, पूर्व जन्म में उन्हें सारे तीर्थ हैं, तीर्थ को घूम चुके हैं, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुके हैं, तभी इसी जीवन में मेरा नाम किसको जिह्वा पर उच्चारण होता है। इसलिए बोले जने पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने पहले जन्म में 100 जन्म तक जिसने भगवान की निष्कपट रूप में सेवा की, इसी जीवन में तभी उसको जीवा में मेरे नाम उच्चारण होता है।
इसलिए माँ भले ही किसी कुल में क्यों जन्म नहीं हो, जो मेरे नाम को ग्रहण करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए क्या करना, भगवान की नाम को जप करना। एक बार हाथ उठा कर बोलो दोरीलाल जी, भजन गाओ, बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। वृंदावन बिहारी लाल की एकादशी तिथि की जय जय श्री राम। नहीं नहीं चटकू में लगाओ, आप गाते ना नाम रस मीठा है, उसको गाते हो ना राम रस मीठा है। आनंद लेते हैं, जय जय श्री लख चौरासी को सुने तो कोई चार गाम निज धाम, हरि हर चार गाम निज धाम।
उत्थानपाद के कहते दो बेटे थे, कितना बेटे थे? दो दो बेटे थे, बोले एक प्रिय व्रत और श्री कैसे मनु महाराज के एक उत्थानपाद और एक प्रिय व्रत है। कहते जो उत्थानपाद, अब इसलिए उत्थानपाद का नाम आता है, जिनकी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति और एक सुनील, और सुनीति का बेटा कौन? और सुरुचि का बेटा कौन? बोले उत्तम। कहते श्री इसका तात्पर्य क्या है? बोले सुनीति, जिसका नीति उत्तम नीति। नीति तो बहुत तरह का है, एक नीति है कहते एक कूट नीति है, एक चाणक्य नीति है, एक विदुर नीति है। नीति तो अलग अलग बहुत सारे नीति हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ नीति जो बताया कहते ये विदुर का नीति है। किसका नीति है? विदुर का क्या नीति है? कहते ये घर में आए, साधारण घर में तो जन्म हुए विदुर जी हैं, लेकिन दासी पुत्र रूप में जन्म हुए, लेकिन होने पर भी लेकिन अपना धर्म कभी नहीं छोड़े। यहाँ शिक्षा देते हैं भले ही हम कहीं जन्म क्यों नहीं हो, लेकिन अपना धर्म को कभी नहीं छोड़नी चाहिए। इसलिए उन्होंने हर समय धर्म का मार्ग श्री युधिष्ठिर का साथ दिया, इसलिए लास्ट में उनको मंत्री पद भी त्याग देना पड़ा। दुर्योधन ने बड़ी गाली गलौज करते हुए बोले जिसकी पात्र में खाते हो उसमें छेद करते हो, इसलिए निकल जाओ मेरे राज्य से। लेकिन निकल गए, मंत्री पद को तो त्याग दे दिया, लेकिन उन्होंने कभी धर्म को नहीं त्याग दिया। देखो जो व्यक्ति धर्म कभी नहीं त्याग देते हैं ना, फिर क्या होता है? एक दिन ठाकुर जी उनके घर में आते हैं। इसलिए जब भगवान स्वयं शांति दूत बन करके आए, बोले पांडवों को बोले पांच गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन ने क्या बताया? बोले पांच गांव की बात बता रहे हो, बगर युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन देने के लिए तैयार ही नहीं। तुम पांच गांव के नाम बता रहे हो, बोले भोजन कर लो। बोले भोजन कब करता है? जो भूखे हो ना, मैं तो आत्माराम आत्म काम हूँ, मेरे को तो भूख है ही नहीं। बोले कहीं तो खाओगे? बोले कहीं खा लूंगा। इसलिए उन्होंने दुर्योधन की मेवा त्यागे और साग विदुर घर गए। इसलिए उन्होंने दुर्योधन का मेवा मिश्रित त्याग दे करके विदुर घर में ठाकुर जी केले का छिलका और साग भाजी खाई। देखो जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है ना, एक दिन ठाकुर जी उसको घर में ठाकुर जी आते हैं। इसलिए श्री सुनीति, इसने सुनीति को अपनाया। सुनीति मतलब भगवान की भक्ति की नीति। लेकिन बेटा को न बने? बोले ध्रुव। अगर सुनीति अपनाओगे तो ध्रुव मतलब क्या? अटल, अचल, सत्य। एक दिन तुम्हारी नाम जगत में जय जयकार होगी। और सुरुचि मतलब स्वस्य रुचि, स्वस्य रुचि मतलब अपना मनमानी ढंग से करना, अपना मनमानी जैसे मन में आता है। शास्त्र का कोई है, शास्त्र का कोई रीति नहीं, अपना मन में जैसे होगा वैसे करेगा। फिर उसका परिणाम क्या है? उत्तम तो हुआ, लेकिन वो मानती है गड़बड़ करती हैं, लेकिन सोचती है मैं जो कुछ कर रही हूँ सही कर रही हूँ। लेकिन परिणाम क्या हुआ? एक दिन उत्तम को जक्ष लोगों ने मार दिया। मैया ढूंढने के लिए गई तो चारों तरफ में आग लग गई और आग में स्वाहा हो गया। इसका मतलब है अगर अपना मनमानी ढंग से चलोगे, शास्त्र का बात धर्म का मार्ग नहीं अपनाओगे, एक दिन जल भून कर खत्म हो जाओगे। अगर शास्त्र नीति का अपनाओगे तो एक दिन ध्रुव लोक की तुम्हें प्राप्ति होगी और चिरकाल के लिए तुम्हारी नाम जगत में अजर और अमर बनेगा। बोले श्री ध्रुव महाराज की। अभी हमारे चिराग प्रभु जी, ये ध्रुव जी का उनने कुछ कथा सुनाई थी। ध्रुव जी का काली गई जय जय वीन वराह कमठ नरहरि बलिवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन बुद्ध कल्कि अरुव्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वर दैन धनवंतर पत्री पति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास
उर्पद धरो। हरे कृष्णा, मैं सर्वप्रथम अपने गुरु पाद पद्म पूज्य पाद भक्ति वेदांत श्री श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव श्रीपाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में बार 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 दंडवत करता हूँ। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु समेत समस्त गौरव परिकर एवं की समस्त गुरु परंपरा सभी जय युक्त हो एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियां आप सभी को मैं सादर वंदन करता हूँ। मेरे श्रीपाद श्री गुरुदेव की आज्ञा है कि श्री ध्रुव जी के चरित्र पर मैं अपनी कुछ श्री गुरुदेव का ही सिखाया हुआ श्री गुरुदेव का ही पढ़ाया हुआ आपके सामने प्रस्तुत करूं। देखिए महाराज जी ने भूमिका बता दी है। श्री ध्रुव जी उत्तानपाद राजा हुए हैं, दो पत्नी हुई है सुनीति और सुरुचि। सुनीति जिसकी नीति उत्तम है, जिसकी नीति मंगलमय है, अथवा धर्म नीतयः यस्य पालनेह स सुनीति, जिसकी धर्ममय नीति है अर्थात कृष्ण चरणाश्रित जिसकी नीति है उसको कहते हैं सुनीति। एक है सुरुचि जिसमें राजा की रुचि है, राजस्य नृपस्य रुचयः स सुरुचि, जिसमें राजा की रुचि बढ़िया है उसको कहते हैं सुरुचि। देखिए ये दो पत्नियां हैं उत्तानपाद की, सुनीति और सुरुचि। राजा सुनीति को कम चाहते हैं और सुरुचि को अत्यधिक चाहते हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर है और सुरुचि और सुनीति दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुनीति के जो पुत्र हैं उनका नाम है श्री ध्रुव और जो सुरुचि है उनका उनके बच्चे का नाम है उत्तम। एक बार क्या हुआ, राजा उत्तानपाद अपने महल में बैठा हुआ था और उत्तम जो है उनके उनके अंग में बैठा था, तो खेलते खेलते श्री ध्रुव जी उत्तानपाद के जो अंग है गोदी में बैठने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने अपने चरण को उत्तानपाद के अंग में स्थापित किया स्वयं उनकी माता जो जो उनकी माता सुरुचि उसने रोक दिया, ठहर जा ये क्या कर रहा है, यद्यपि ये तेरे पिता हैं लेकिन इनकी गोद में बैठने का सौभाग्य तुझे तभी प्राप्त होगा जब तू मेरी गोद से मेरे गर्भ से जन्म लेगा। इतना कहते ही ध्रुव जी एकदम से उनके ओष्ठाद ब्रह्मा उनके होठ कांपने लग गए, वे अति दुखी होकर के अपनी माता सुनीति के पास गए। माँ क्या होती है, माता क्या होती है, क्या शिक्षा प्रदान करती है माता, अब इसकी झांकी देखिए। जैसे ही सुनीति के पास श्री ध्रुव जी गए हैं वो रोने लग गए हैं ध्रुव जी। माता ने तुरंत श्री ध्रुव जी को अपने अंग में लिया है और अंग में लेकर के पूछा है ध्रुव जी से, कौन कहो कटु वचन, कौन कहो कटु वचन किया किसने तेरा अपमान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। पूछा है सुनीति ने, क्या हुआ ध्रुव क्यों रो रहा है, तूने तुझे कोई आघात हुआ है, कुछ पीड़ा हुई है पता, तो सारी की सारी घटना ध्रुव जी ने अपनी माता को बताई है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास कर रहा था, बताइए माँ मेरी क्या गलती है। तो पूछा अच्छा तो सुनो सुरुचि ने क्या कहा, तो उसने कहा कि तुम तभी इस पिता की गोद में बैठने का अधिकारी होगा जब तू श्री भगवान का भजन करके मेरे मेरे गर्भ से प्रकट होगा, मेरे गर्भ से तेरा जन्म होगा। तो सुन धन्य है उनकी शिक्षा। अब देखिए क्या कहा है सुनीति जी ने, क्या कहा है, बोले देख इसमें दो शिक्षा है। क्या, पहली शिक्षा दो बातें इसमें है, पहली तो ये कि तू मेरे उदर से जन्म लेगा और एक ये श्री भगवान का भजन कर। तो वच ध्रुव उन्होंने जो बताया है वो शास्त्रों का मर्म बताया है, श्री भगवान का भजन कर। देखिए एक बात याद रखना, हमारे चक्रवर्ती पाद इसी बात को कह रहे हैं भगवान की शरण में जीव कब जाता है, जब अपने उसको ठोकर मार देते हैं। यदि पिता प्रेम कर रहा है, माता प्रेम कर रही है, भाई प्रेम कर
करा देंगे और किसी सदगुरु जब कोई उपाख्यान प्रस्तुत करेगा और जब वो श्री भगवान की शरण में जाएगा तब श्री भगवान अपनाते हैं। भैया इसी कारण से यह चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। तो श्री सुनीति जी कहती हैं कि बच्चे तू भजन कर, भगवान का भजन कर, तू किसकी रोट ले रहा है। भैया केवल और केवल शरणागत वत्सल श्री भगवान ही है, किसकी ओर ले रहा है बस ध्रुव, तू दीनहीन बन जा। अच्छा भैया दीनहीन बन जाऊं तो दीनहीन बन करके क्या होगा। तो माता कहती है अगर बने तुम दीनहीन, अगर बने तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान हां, अगर बने तुम दीनहीन तो दीन बंधु भगवान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। संदीप सवैया गाते हैं काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आग पड़े जब तब दवन को जारे, चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली पड़े तब दवन को मारे, अरे सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह पड़े तब दवन को फारे, ऐसे ही यह जीव कभी किसी ओट नहीं, अरे हरी ओट परे यह वेद पुकारे। जैसे काठ की ओट से काठ बचे नहीं, जैसे लकड़ी की ओट से कभी लकड़ी नहीं बच सकती, जब अग्नि का दिव्य प्रभाव उस पर पड़ेगा तो दोनों की दोनों भस्म हो जाएंगी, और जैसे ही महाराज कोई चूहा है वो जो चूहे की ओट से चूहा बचे, अगर एक चूहा बिल्ली से डर के भाग रहा है तो महाराज वो चूहा मान लो चूहे के पीछे छुप गया तो बिल्ली क्या करेगी, वो उसको एक के साथ एक मुफ्त मिल गया और उसी को पकड़ ले। ऐसे सियारे की ओट से सियार बचे नहीं, सियार अगर सियार की ओट ले लेगा तो महाराज आप बताओ शेर को क्या मिलेगा, एक के साथ एक मुफ्त दोनों को फाड़ देगा। लेकिन किसी और की ओट यह जीव बचे नहीं, अगर हम किसी और की ओट लेंगे, किसी और का सहारा लेंगे तो हम नहीं बचेंगे, लेकिन किसका सहारा लेंगे कब बचेंगे। हरि ओट ले यह वेद पुकारे, वेद कहते हैं यदि किसी की ओट लेनी है, किसी की शरण लेनी है तो केवल और केवल श्री भगवान को, भगवान की ओर। देखिए एक माता क्या संस्कार दे सकती, आज की माता होती तो क्या कहती, अच्छा उसकी इतनी मति का अधिकार नहीं था क्या बैठने का, चल मैं अभी उसकी ऐसी की तैसी करूं, चल तू मेरे साथ, ऐसे कहती। लेकिन धन्य है सुनीति, क्या कह सकती है, माता का दिव्य प्रभाव ही बच्चे पर पड़ता है। भैया आज आज बच्चों की ऐसी कुरूप स्थिति क्यों है, उसके मन में छोटी अवस्था में पाप क्यों भर गया, हमारे कारण, हमने उनको शिक्षा अच्छी नहीं दी। हर एक व्यक्ति कोई कौन कैसा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, ये उसके मन में फिक्स कर दिया बच्चे के। अब वो बच्चा जब देखेगा तो उसी दृष्टि से उनको देखेगा। सुमित्रा जी है, जब सुमित्रा जी के पास लक्ष्मण जी आते हैं तो देखिए क्या शिक्षा देती है सुमित्रा जी शिक्षा देती हैं, सात तुम्हार मातु वैदेही पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण जी बोले मैया ऐसे ऐसे वनवास दे दिया, हालांकि सुमित्रा जी को पहले ही शक हो गया था, सुमित्रा जी को किसी ने यह बात नहीं बताई थी कि प्रभु को 14 वर्ष का वनवास आया है। जैसे ही सुमित्रा जी के महल में श्री लक्ष्मण जी पहुंचे हैं तुरंत सुमित्रा जी को यह शक हो गया। वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है, क्योंकि राम लक्ष्मण जी कभी भी अकेले सुमित्रा जी के महल में नहीं जाते, जब लक्ष्मण जी जाते हैं तो सर्व श्री राम जी के जाते हैं। जैसे नील वर्ण की कांति के ऊपर दिव्य गौर वर्ण सुशोभित होता है, ऐसे ही राम जी की दिव्य नील वर्ण के ऊपर श्री लक्ष्मण जी का गौर वर्ण दीप्तमान होकर के जब श्री सुमित्रा जी के महल में प्रवेश करता है। लेकिन आज जब अकेले श्री लक्ष्मण जी आए हैं तब उनके मन में ऐसा भय हो गया कि आज तो कोई बात हुई। तब उनसे कहा लक्ष्मण जी ने कि मैया भगवान बन जा रहे हैं, भैया बन जा रहे हैं, मैं जाऊं। तो उन्होंने कहा इतना सुंदर श्लोक है ना वाल्मीकि रामायण का, एक माता क्या शिक्षा दे सकती है, रामम दशरथम वृद्धिम मामम
अयोध्या मटमीव वृद्धिं गच्छता यथा सुखम। वत्स मेरा वत्स जानकी जी के अंदर मेरा स्वरूप देखना, श्री दशरथ जी का स्वरूप श्री रघुनाथ जी के स्वरूप में देखना, और वन को वन ही घर है, घर ही वन है, इस पूरे 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 वन को तू अयोध्या देखना, और गच्छतात यथा सुखम, अब सुख पूर्वक भगवान की सेवा के लिए पहुंच। इस कारण से शिक्षा क्या होती है, एक माता कैसे शिक्षा दे सकती है, ये देखिए। तो इस कारण से सुनीति जी ने कहा तू चिंता मत कर, तू जा। ध्रुव जी ने थोड़ी देर, ध्रुव जी शांत हो गए, मौन हो गए, फिर तो थोड़ी देर बाद रोने लग गए ध्रुव जी। जब ध्रुव जी रोए तो रो करके माता ने पूछा अब क्यों रो रहा है, तो ध्रुव जी ने कहा भैया मेरे से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? मैंने सोचा हाय मैं कैसी कैसी अभागिन माता के गर्भ से मैंने जन्म लिया है, जिसके गर्भ से जन्म लेने पर अरे मैं अपने पिता की गोदी में बैठने लायक नहीं रहा, लेकिन अब तेरे मातृत्व का मुझे दर्शन हो गया है, तू धन्य है मैया, मैं भजन करने के लिए जाऊंगा। अब मुझे ये राजा की नश्वर गोदी नहीं चाहिए। कहा है सुनीति ने, अरे इस राजा की नश्वर गोदी में बैठ करके क्या करेगा, जिसकी गोदी में बैठ करके फिर दोबारा किसी मैया की गोदी में नहीं बैठना पड़ता, ऐसे जगत पिता भगवान की गोदी में बैठ तो तेरा कल्याण, तू धन्यात धन्य हो जाएगा। तो पूछ तो ध्रुव जी ने कहा कि अब तो मैं ये गोदी में नहीं बैठूंगा, तो फिर कौन सी गोदी में बैठेगा? अरे बैठू सकल गोद निर्भय हो, सदा सहित सन्मान पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के श्रीहरि को ध्यान। चल दिए ध्रुव जी। जब ध्रुव जी चल दिए तो देखिए ध्रुव जी चले तो गए, लेकिन रास्ते में सोचने लगे मैं भजन के लिए तो चल दिया, लेकिन मैं क्या भजन करूं, कहां भजन करूं, भजन की पद्धति कौन बतावेगा? भैया जब मन में शुभ संकल्प होता है ना, मन में ठान लो हाँ भगवान का भजन करना है, मन में ठान लो कि हाँ श्री भगवान के चरणाश्रित होना है, जब मन में शुभ संकल्पों की दिव्य भीला का उदय होता है, तब श्री भगवान की प्रेरणा से नारद जी जैसे सदगुरु प्राप्त हो जाते हैं। मिल गए नारद मुनि मग में, पड़ा ध्रुव मुनि के पग में, अरे गुरु जी अब दीजो ज्ञान हमें, तो ऐसो मंत्र दियो कानन में, मिल गए श्री भगवान पायो अचल लोक ध्रुव लोक, भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। श्री नारद जी बोले अरे ध्रुव जंगल में क्या कर रहा है? सारी की सारी स्थिति बताई ध्रुव जी ने, ऐसे ऐसे मुझे पिता की गोदी में बैठने नहीं दिया, और उन्होंने कहा भगवान का भजन कर, तो अपनी माता की आज्ञा से मैं भगवान का भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी बोले अरे ये कोई चवन्नी अठन्नी की टोपी है, भजन मिठाई है कि लिया और चल दिया? बड़े बड़े सिंह, बड़े बड़े सिंह पीछे हो जाते हैं भजन करने के मार्ग पे, तू तो छोटा बच्चा है, चल तू वापस चल, मैं तेरे पिता की गोदी में तुझे को बिठाता हूँ, आधा राज्य तुझे स्थापित, आधा राज्य तुझे देता हूँ, आधा राज्य उत्तम को देता हूँ। ध्रुव जी मुस्कुराए, ध्रुव जी बोले वाह 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 वाह, धन्य है भजन की महिमा, अरे अभी तो मैं प्रारंभ भी नहीं किया, केवल भजन के लिए चला हूं तब ही आधा राज्य मिल रहा है, लेकिन जब भजन कर लूंगा तो सोचो भगवान क्या नहीं दे देंगे, इसलिए पहली पद्धति तो यही है, अरे पहली पद्धति में ही भगवान आधा राज्य दे रहे हैं, अब तो मैं भजन ही करूंगा। कृपा करी है नारद जी ने, भैया मंत्र कौन बतावे, मंत्र का उपदेश तो गुरुदेव ही करेंगे, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र जो है वही भगवान की प्राप्ति करावेगा, इसलिए द्वादशाक्षर मंत्र का श्री नारद जी ने उनको उपदेश किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब यह उपदेश किया है तो ध्रुव जी ने कहा अब मैं कहां भजन करूं प्रभु, तो नारद जी ने कहा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे, पुण्यं मधुबनं नित्यं सानित्यं नित्यदा हरे। वत्स मधुपुरी चला जा, मधुपुरी कहा मथुरा, वहां पे चला जा, आज भी मथुरा में, आज भी ब्रजमंडल में भगवान की दिव्य लीलाएं होती हैं, इस कारण से वहां भगवान का सानिध्य प्राप्त अभी भी है, इस कारण से तू वहां चला जा। भगवान नारद जी ने ध्रुव जी को पद्धति बताई है, ध्रुव जी वहां पे गए हैं भजन के लिए। अब इधर राजमहल में उत्तान
गया, ध्रुव कहाँ होगा इस समय? नारद जी पहुंचे। नारद जी ने सारी ध्रुवोपाख्यान उत्तानपाद को सुनाया है। उत्तानपाद रोने लग गया, हाय ध्रुव कैसा होगा, कौन उसको भोजन देगा? नारद जी ने कहा, तू भोजन देता था ध्रुव को? अरे चींटी से लेकर के हाथी तक का पेट भरने वाले श्री जगदीश्वर हैं, तू कहां से हो गया? अरे भैया, जो वैष्णव होते हैं ना, उनको किसी बात खाने पीने की तो कोई चिंता ही नहीं रहती है महाराज। भोजनम आच्छादने चिन्ताम व्यथा कुर्वन्ति हि वैष्णवाः, यौसौ विश्वम्भरो देवो सभक्त्या उपेक्षते। जो विश्वम्भर भगवान है वो क्या भक्त की उपेक्षा करेंगे? तू क्यों चिंता करता है? भैया, जो भजन के लिए निकलता है ना, छप्पन भोग चिंता मत करो, उसके लिए तैयार है। वैष्णव उठेगा बाद में, पहले उसके भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। भगवान की दिव्य कृपा है, इस कारण से ध्रुव जी भजन करने के लिए गए हैं। ध्रुव जी ने अद्भुत पद्धति से भजन किया है। सबसे पहले कपित्त वद्रासना कपित्त के फल खा करके जो है भजन को शुरू किया है। महाराज सुबोधनी का श्रीपाद वल्लभ आचार्य जी कह रहे हैं, उनका लिखा हुआ है कि पहले कपित्त क्यों खाया, मानो पहले गणेश जी का वर्णन कर रहे हैं। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मानो कपित्त का फल खा करके कह रहे हैं, आपके पास श्री कृष्ण श्री भगवान ने आपको प्रथम पूजनीय होने का अनुग्रह आप पर किया है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मेरे भजन में कोई विक्षेप ना आवे। इस कारण से कपित्त वद्रासना, पहले कपित्त के फल से शुरुआत करी है महाराज। उसके बाद जल से, उसके बाद पत्ते खा करके, उसके बाद जल से, उसके बाद वायु से, अब तो वायु भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं महाराज। जब वायु ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ऊपर के सातों लोक और नीचे के सातों लोक की वायु स्तब्ध हो गई है, वायु नहीं पहुंच रही है। सारे के सारे देवता घबरा करके ब्रह्मा जी की शरण में गए हैं। ब्रह्मा जी समेत समस्त देवता भगवान श्री नारायण की शरण में गए हैं। श्री भगवान जाकर के, जैसे ही भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा, एवं अस्तु, मैं ध्रुव को जाकर के दर्शन देता हूँ। देखिए ध्रुव की, ध्रुव कैसे भजन कर रहे हैं, क्या झांकी है ध्रुव जी की। ध्रुव जी जैसे ही 6 महीना हुआ महाराज, ध्रुव जी के नेत्र खुले। ध्रुव जी सोच रहे हैं, क्या मैं, क्या गुरु प्रदत्त मंत्र को जपने का मैं अधिकारी नहीं था? क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या मैंने भगवान को संतुष्ट नहीं किया? वे उनकी आंख से अश्रु बिंदु प्रवाहित हुआ महाराज, वो आपके कोने से आंसू आपके कोने से होता हुआ नाक का अतिक्रमण करता हुआ होंठ से गुजरता हुआ थोड़ी पर 2 क्षण रुकता हुआ जैसे ही पृथ्वी पर गिरा, सोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर के श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। शशंक चक्रम शकरीत कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसिंदुलक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शरशां चतुर्भुजम। जैसे ही भगवान नेत्र खोले, ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी ने कहा, भगवान को देखते रहे ध्रुव जी, श्री भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं। अब ध्रुव जी कह रहे भगवान से, भगवान मेरी मैया ने कहा था कि जब आप मिल जाओ तो पहले मैं आपकी स्तुति करूं, पर मैं छोटा 5 साल का बच्चा, मैं क्या स्तुति करूं आपकी, आप बताओ। भगवान तो परम करुणा बना रहे हैं। भगवान ने कहा, चिंता मत कर। भगवान ने अपना वेदमय शंख जो है ध्रुव जी के कपोल पर चुभाया। कृतांजलि मैन कंबोनात परस्पर्श बालम कृपया कपोले। भगवान ने अपने शंख को जो है ध्रुव जी के कपोल पर चुभाया। ध्रुव जी की सोई हुई सरस्वती जागृत हो गई। वेदमयी वाणी पाकर ध्रुव लगे करन गुणगान, पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के श्री हरि को ध्यान। जैसे ही शंख चुभाया, ध्रुव जी ने ऐसी सुंदर स्तुति करी है। योन्तः प्रविश्य मम वाचमि मां प्रसुप्तां संजीवयत्तखिल शक्ति धरस्व धाम्नां अन्यस्तहस्त चरण श्रवण प्रकारे प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो अंतः प्रविश्य मम अंतः करणेन तत् प्रविश्य, चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं इसकी टीका करते हुए। प्रभु आप सामने खड़े हो, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसा मन कर रहा है कि उछल करके कूद करके आपकी गोदी में आ जाऊं। भगवान ने खूब प्रेम किया ध्रुव जी को। भगवान ने कहा, ध्रुव बच्चे कुछ मांग ले। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या मांगू, मैं वो नश्वर राज्य मांगने के लिए आपकी तपस्या करी थी, लेकिन अब मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं नहीं ध्रुव, तुम
मांग ले तो ध्रुव जी ने क्या मांगा है? भक्ति मोह प्रवता त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममलाशयानां यन व्यंज सोल्वणं मुरु व्यसनं भवाद्विन नेसि भवद् गुण कथा अमृत पान मत्तः। मतलब वर दीजे सत्संग बैठ नित करो कथा अमृत पान पायो अचल लोक ध्रुव लोक भक्त ध्रुव धर के हरि को ध्यान। प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको आप सत्संग दे दीजिए, गुरुदेव के शरणापन्न होकर के आपकी दिव्य कथा रस सुधा को पान करने का सौभाग्य प्राप्त करा दीजिए, मुझे हरि कथा दे दीजिए। भगवान ने कहा ध्रुव एवं अस्तु, तूने पिछले जन्म में मुझसे राज्य मांगा था, इसलिए 36,000 वर्ष तक मैं तुझे राज्य प्रदान करता हूँ, उसके बाद मैं तेरे लिए ध्रुवलोक की स्थापना कर रहा हूँ। 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद तेरे लिए ऊपर ध्रुवलोक की स्थापना। महाराज ऐसा ध्रुवलोक है, सप्तऋषि मंडल जिस ध्रुवलोक की परिक्रमा करते हैं, स्पेशल सीट बुक करी है भगवान ने ध्रुवलोक के, ध्रुवलोक में ध्रुव जी के लिए पहला डिपार्टमेंट है वो। अपन ऊपर देखते हैं ना वो जो 7 stars of the wonder होता है ना, जो हम poems और poetries में देखते हैं, उसके बीच में स्थित है, जिसकी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसे दिव्य ध्रुवलोक को प्रदान किया है श्री भगवान ने। महाराज 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी अपने अपने महल से बाहर निकल रहे थे, देखा तो सामने एक भयंकर स्त्री, बाल खुले हुए, केश खुले, सफेद साड़ी में, और महाराज बिल्कुल भयाभय रूप में दिखाई दी। ध्रुव जी ने कहा माता आप कौन है? उसने कहा मैं साक्षात मौत हूँ, ध्रुव वर्षों से तुम्हारे महल में घुसने की चेष्टा कर रही हूँ, लेकिन जिस भी खिड़की से घुसती हूँ मुझे घूमता हुआ सुदर्शन नजर आता है, मुझ पर कृपा कर ध्रुव, मेरे द्वारा इस त्रिगुणात्मक सृष्टि से व्यक्ति परे जा पाता है, इस कारण मुझ पर कृपा कर। ध्रुव जी ने संकल्प किया है, महाराज आकाश से विमान उतर करके आया है, क्योंकि विमान धरती से थोड़ा ऊपर था, इस कारण से ध्रुव जी ऊपर तक कैसे पहुंचे? तो मृत्यु ने कहा ध्रुव मुझे धन्यात धन्य करो, जो मृत्यु है उन्होंने अपना सर नीचे किया, ध्रुव जी ने मृत्यु के ऊपर पैर रख करके और उस विमान में बैठे हैं। मृत्यु मूर्धनि पदं दत्त्वा आरुह्योऽद्भुतं गृहं। देखिए धन्य है ध्रुव, देखिए मौत तो वही है जैसे एक बिल्ली है, बिल्ली का मुंह वही है, लेकिन जब वो किसी चूहे को पकड़ती है तो महाराज उसकी भयाभय दशा हो जाती है, उसे फाड़ देती है, लेकिन उसी मुंह से जब वो बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है तो प्यार से उसको मुंह से पकड़ करके और बिल में रख देती है, ऐसे मौत तो वही है। जब वो किसी दुराचारी व्यभिचारी भगवान का भजन ना करने वाले के पास पहुंचती है तो महाराज उसकी भयाभय दशा हो जाती है, लेकिन वो मौत जब एक भक्त के पास जाती है तो उसके स्पर्श से मौत भी अपने आप को धन्य धन्य कर देती है। ध्रुव जी के ऊपर कृपा देखो, मौत के ऊपर पैर रख करके ध्रुव जी भगवान ध्रुव जी मौत के ऊपर पैर रख करके और ध्रुवलोक को गए हैं, नित्य संकीर्तन और सत्संग वहां पर चल रहा है। ऐसे दिव्य ध्रुव जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, भगवती सुनीति को प्रणाम करते हैं। ध्रुव जी जैसे ही जाने लगे विमान में तो कहा मेरी माता कहाँ है, माता कहाँ है? तो भगवान के पार्षदों ने कहा अरे जिस रास्ते पर तुझे मंगलमय रास्ते पर ले जाने वाली तेरी शूर जननी है उसको तो पहले ही भेज रहे हैं, आगे देख वो विमान में बैठी हुई सुनीति सुशोभित हो रही है, इसलिए महाराज जननी जने तो भक्त जन कह दाता के सूर नहीं तो बांझ भली काहे गवाही नूर। जननी वही है जो अपने बच्चे को श्री भगवान की भक्ति में लगा दे, वही जननी धन्य है, इसलिए ध्रुव जी से पहले भगवती सुनीति पहुंची है। ऐसे दिव्य ध्रुव चरित्र को हम प्रणाम भैया वांछा कर कटल दृष्टि प्रभा के चरित्र। देखो ये कथा से सीखा ये लेना है, अपना बच्चों को भक्ति का मार्ग दो, ठीक है ना। देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये बच्चे फिर ये छोटे बच्चे, हमारे श्री कहाँ गए जनार्दन प्रभु जी, सब जनार्दन प्रभु सब बच्चों को भक्त भजन बना रहे हैं। अगर बच्चों को भक्ति का मार्ग दिखाओगे ना, बच्चे से पहले तुम खुद पहले कहाँ जाओगे, वैकुंठ धाम जाओगे, कहीं से नहीं। बच्चे एक गंजड़ी एक भंगड़ी एक जुआरी होकर घूम रहा है इधर उधर है, इसलिए बच्चे अगर गलत मार्ग में जाएगा उसका पाप भी तबाह कर लेना पड़ेगा। बच्चे अगर भक्ति मार्ग में जाए क्या होगा,
बच्चे से पहले माँ भी भगवान का धाम में जाएगा। इसलिए जिस समय ध्रुव महाराज जा रहे थे वैकुंठ, नारद तो बिना बजा बजा करके नारद जी नृत्य कर रहे थे। बोले क्यों? बोले आज एक जीव को मैंने मंत्र दी, उसकी प्रभाव से आज वो वैकुंठ विजय कर रहा है। इसका तात्पर्य है गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं। गुरुदेव हमें से ये चाहते हैं अगर एक व्यक्ति अगर प्रभु का भजन में लगा दिया तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। ठीक है, अभी नवीन प्रभु थोड़ी सी बोलेंगे। प्रभु जी वो टाइम बहुत हो गया। और देखो कल है कथा की चौथा दिन है, काल ठाकुर जी जन्म ग्रहण करेंगे। बोले श्री नंद के लाला की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कल जितने माता है सब सद्धज करके 16 श्रृंगार द्वादश आभरण पहन करके सब बढ़िया बढ़िया कपड़ा निकाल करके, हो सकता है पीले कपड़े पहन करके आना, नहीं हो तो कोई भी कपड़ा हो लेकिन बढ़िया कपड़ा होनी चाहिए। जैसे शादी विवाह में जाते हो और हमारे जितने भाई लोग हैं कुर्ता पैजामा सफ़ेद रंग का, ठीक है, पहन करके नंद बाबा ब्रज भा ब्रज गोपों को भाव से सबके सब आना, और गोपियाँ सबके सब स्त्रियाँ गोपी भाव से कल आना, और बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, हाँ धूमधाम से कल जन्मोत्सव मनाएंगे। ठीक है, और वो तो घर से टफी खिलौना फल जो कुछ लाओगे हम उसको लुटाएंगे और उत्सव मनाएंगे। बलराम प्रभु कल आप थोड़ा कथा सुनाना, कोई एक विषय को लेकर के, कोई एक प्रसंग को लेकर के बोल सकते हो, अच्छी बात। ठीक है, नमो विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने शिशिव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नामे। अब एक बात, अगर थोड़ी सी जल्दी आ जाओ ना अच्छा रहे, क्योंकि आज हम कथा शुरू करते हैं लेकिन 7 बज गए हैं, इसलिए कथा तो तैयार नहीं हो पाती। अगर एकदम 6:30 बजे अगर हम कोशिश करेंगे कल 6 बजे आरती करके 6:30 बजे हम पूरा कथा शुरू कर देंगे। ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा जब कथा सुन रहे हैं अनंत कोटि दंड ज्ञापन करते हुए उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि श्रीमद् भागवतम कथा अमृत हम श्रवण कर रहे हैं और कल हम इसकी महिमा श्रवण कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए श्री हरि ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे थे कि ये श्रीमद् भागवतम की कितनी बड़ी महिमा, जितने भी पुराण है ये 18वां पुराण है, 17 पुराण और जितने भी शास्त्र उन सबसे श्रेष्ठ कैसे है वो हरि ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। कह रहे हैं नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पढ़ते नरा प्रत्येक अक्षर भक्तिर्यस्य कपिला दानं फलम। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान का पुण्य मिलता है। कपिला गौ माता सर्वश्रेष्ठ होती है। यदि श्रीमद् भागवत पूरी नहीं पढ़ सकते, समय नहीं है, एक चैप्टर नहीं पढ़ सकते कोई बात नहीं, एक श्लोक भी नहीं पढ़ सकते, यदि उसका एक अक्षर भी पढ़ने का समय मिलता है तो बता रहे हैं गोदान वो भी कपिला सर्वश्रेष्ठ गौ माता का दान का पुण्य हमको मिलेगा। बोलो श्रीमद् भागवत अमृत कथा की। फिर बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम वानित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयाद यस्तु गोसहस्रफलं लभेत। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ करता है अथवा सुनता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। पहले अक्षर बताया और अब बता रहे श्लोक, श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, उससे क्या होगा हजारों हजारों गो माता का दान का पुण्य मिलेगा। बोलो श्रीमद् भागवत कथामृत की। फिर बता रहे हैं भगवान
ब्रह्मा जी से कह रहे हैं या पठेत प्रयत्नोक्तम श्लोकम भागवतम सुता अष्टादश पुराणानां फलमाप्नोति मानवा। क्या कह रहे पुत्र, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं तो कह रहे हैं पुत्र जो प्रतिदिन पवित्र चित्त होकर भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है वह मनुष्य 18 पुराणों के पाठ का फल पा जाता है। कह रहे हैं सभी शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ श्रीमद् भागवतम यदि शुद्ध चित्त निर्मल हृदय करके श्रद्धा युक्त होकर यदि कोई पढ़ेगा तो 18 पुराणों का पढ़ने का जो पुण्य है वह सरलतर से प्राप्त कर लेगा। फिर बता रहे हैं नित्यम मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिवाया नारास्तेव ये अर्चयन्ति सदा मम। जहां मेरी कथा होती है वहां विष्णु पार्षद हनुमान और प्रह्लाद जी विराजमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से परे, जितने भी भक्तगण हैं उन पर कलि का प्रभाव नहीं पड़ता, कलि का उन पर वश नहीं चलता है। एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। अब इससे पता चलता है कि भगवान की किस प्रकार से समस्त भक्तों के ऊपर छत्र छाया रहती है, किस प्रकार से निरंतर से वैष्णव लोग भ्रमण करते हैं इस श्लोक से पता चलता है। वैष्णवानां तु शास्त्राणि या अर्चयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवति भवन्ति सुखवंदिता। कहते जो मानव कलयुग में अपने घर में प्रतिदिन भागवत शास्त्र वे कलि से निडर होकर ताल ठोक कर उछलते कूदते नृत्य करते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत कथा अमृत की जय। अब महाराज जी ने कथा शुरू कराई थी हमें कि किस प्रकार से नारद जी जो है सत्कर्म के लिए निकले थे और समस्त आश्रमों के जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनसे पूछा कि कोई सत्कर्म बता दीजिए, कोई भी आचार्य सत्कर्म नहीं बता पाया और फिर जो है वो ढूंढते ढूंढते कहां पहुंचे बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम में उन्हें सनकादि ऋषि मिले। सनकादि ऋषि ने उन्हें देखते ही कहा कि तुम महान संत नारद इतने उत्साह में रहते हो आज इस प्रकार से निराश क्यों हो। तो उन्होंने बताया कि मुझे सत्कर्म के लिए बोला है और आकाशवाणी जो हुई सत्कर्म जो है वो मुझे भक्त शिरोमणि बताएंगे। भक्त शिरोमणि का याद आया तो याद आया कि आपसे बढ़कर कोई भक्त शिरोमणि है ही नहीं सनकादि, तो आप मुझे बताइए कि वह सत्कर्म जो आकाशवाणी बता रही थी वह बताइए। तब उन्होंने बताया वो श्रीमद् भागवत कथा अमृति है। महाराज ने वो कथा आपको श्रवण कराई थी कि वो कथा हमें करनी चाहिए आनंद घाट में हरिद्वार में और समस्त ब्रह्मांड के जो ऋषिगण भक्तगण सब वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने के बाद जो कथा हुई, जब कथा हुई तो भक्ति रानी जो है तरुणी अवस्था में आई और उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य पूर्णतम चेतन अवस्था में और तरुण हो गए। उसके बाद उन्होंने पूछा, नारद जी ने पूछा कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है इसको श्रवण करने का अधिकारी कौन है। तो इधर एक बहुत सुंदर श्लोक से वो बता रहे हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दूराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताहाय केन कलो पुनन्तिते। एक और श्लोक बोल रहे हैं पंचोग्र पापश्छल छद्म कारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्द्याश्च ये ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्तिते। इन दो श्लोकों में स्पष्ट रूप से सनक आदि ऋषियों ने नारद जी के माध्यम से
हम संसारी कलयुगी जीवों को स्पष्ट कर दिया कि कोई भी ऐसा पाप जो धरती में नहीं है, या जो कोई व्यक्ति सोचता है मैं समस्त पाप करूंगा और खूब डट के पाप करूंगा और वो सारे पाप करता है, जो कलयुगी जीव हम सब कर चुके हैं या करते हैं, तो उसके लिए कहा कि जिनकी मति हमेशा पाप में लगी रहती है या उल्टे मार्गों में चलते हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के अधिकारी। मतलब कितना भी बड़ा जो पाप है, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, भक्तों की हत्या, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। माता पिता की अवज्ञा और उनकी हत्या करना, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। ऐसे ऐसे पाप और उल्टे जितने प्रकार के मदिरा पान, चोरी इत्यादि हर प्रकार के पाप बताए कि तुम नारद जी चिंता मत करो, जितने भी प्रकार के पाप करने वाला व्यक्ति इसका अधिकारी है। क्यों? क्योंकि संसार में यहाँ हर कोई जीव पाप में रहता है, और जब तक श्रीमद् भागवतम कथामृत श्रवण नहीं करेगा तब तक उसकी जो चेतना निर्मल होने वाली नहीं है। ये निर्मल चेतना हेतु ही तो है। जब हृदय शांत होगा, जब हृदय के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो क्या होगा, हम भजन कर सकेंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम जो है हमें निरंतर पाठ करना चाहिए। यदि महाराष्ट्री है तो श्रवण करनी चाहिए, नहीं तो घर के अंदर हमें श्रवण करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई ऐसा उदाहरण मिलता है कि जो बड़े बड़े पापों में रत हो और श्रीमद् भागवत से उसका उद्धार हुआ हो, तो सनकादियों ने बहुत सुंदर तरीके से कथा बताई है, थोड़ा सा उसको श्रवण करते हैं। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रुत स्मार्तेषु निष्णातो दित्य इव भास्कर। क्या करें कि एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण था जो समस्त शास्त्रों में पूर्णता विशारद था, हर प्रकार के शास्त्रों को जानने वाला और अच्छी तरीके से जो ब्राह्मण के जितने भी नियम है उनको पालन करने वाला था, और वो जो है बस समस्त वेदों का पाठन करने के बाद भी वह दुखी था। उसका कारण क्या था कि उसके कोई संतान नहीं थी, और संतान नहीं होने के कारण दुखी था ही, साथ में उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली, वो कभी भी ब्राह्मण के जो ब्रह्म कार्य है या पूजा अर्चन इत्यादि जो सेवा है उसमें उसकी रुचि कदापि नहीं थी। वो नित्य सुरुचि की तरह थी और हमेशा चंचल और हमेशा जो है जली कुटी सुनाने वाली स्त्री थी, और वो एक तरीके से बांझ ही थी, और वो दुखी हो गए कि मेरी इतनी प्रतिष्ठा, इतना धन, इतना बड़ा घर, उसको कोई संभालने वाला नहीं। मुझे पता नहीं था, कोई बात नहीं। बोलो धुंधकारी महाराज की विजय, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत से उद्धार हुआ। बोलो श्री गोकर्ण महाराज की जय। और गोकर्ण महाराज की जय। हरि प्रभु की जय। प्रभु जी आपके कल भगवान की जन्मोत्सव, और कल एक एक भक्त दस दस भक्तों को संजीव प्रभु अब सब ये गाओ, गाओ ये गाओ पहले नहीं, कोई बात नहीं, अब बोलो कल कल प्रभु करेगा, और कल 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 लोग बजाएगा। आज दवा दिया था, सही हो गया। अब ये फ्लू हम सबको पकड़ लिया है, चार को पकड़ लिया हूँ, इसके बिना मैं भी अधूरा हूँ। जय जय श्री राधे, श्री राधे। देखिए एक गोपी का भाव है कि ये कन्हैया छलिया रसिया एक गुजरी
पर जादू कर गया दावे के साथ। और जब से उसको देखा, कहा कह रही है ये गुजरी सुनो यादव बात, और ये कोई इधर उधर ना, ये सामने बैठी है सामनी सलोनी, ये गुजरी सामने बैठी है सामनी सलोनी, दिल की बड़ी भोरी है ये गुजरिया बैठी है। गुजरिया पर कैसा जादू कर गया, कैसे ये गुजरी बाबरी है गई अभी अभी। चलो बलिया दावेदार, चलो बलिया दावेदार, we
करना गया जाए, जाए। जाए। और साथ को साथ हमारी ननद को भी चार लगा दी है। अच्छा अब इनकी तो पकड़ा पर मेरी तो ननद बड़ी खतरनाक है, मतलब कैसे नहीं तो समय काट रही है। भाग्य भाग्यवान की है हार।
पुरुषोत्तम की जय, श्री गोस्वामी की जय, प्रकीर्त महाराज की जय, श्री गुरुपाद पद्म की जय, प्रभुपाद की जय, सपरिकर गौर हरि की जय, जय जय श्री राधे। प्रणाम करो, प्रसाद लेकर एक बार महाराज जी का जयकार। भक्त